आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल कॉन्फिडेंट लर्निंग में। जैसा कि हमने कहा था कि जैम के हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे, तो आज ये पहला लेक्चर है जिसमें हम जैम के 1 से 10 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये आपका जो पेपर है उसका पहला पेज है जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं कि ये पेपर के बारे में क्या है। पहला तो आपका ये आपका जैम का पेपर है जो कि जैम 2020 का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए ये जियोलॉजी है आपका, जीजी लिखा हुआ है। उसके बाद इसमें 3 आर का क्वेश्चन पेपर है और आपको 60 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आपके 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए जैसे कि मैंने, अगर मेरा पुराना वीडियो आपने देखा है तो उसमें मैंने डिटेल में बताए थे कि सेक्शन ए, बी और सी में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उसके नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, वो सब डिटेल में दिया हुआ है उसमें। तो आप इस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन इज द मेसोजोइक एरा एप्रोक्सीमेटली रेंजेस फ्रॉम, व्हाट इज द एज ऑफ दिस मेसोजोइक एरा फ्रॉम वेयर टू वेयर इन मिलियन ईयर्स। तो इसका सही आंसर आप देख सकते हैं कि सही आंसर क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। सही आंसर है 250 to 65। अब इसको याद करने का तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं। मैंने आपके लिए कुछ कोर्स बनाए हैं जिससे आपको ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, जैसे कि आपका स्टार्ट होती है प्री कैम्बियन, फिर उसके बाद आपका कैम्ब्रियन, फिर उसके बाद ऑर्डोविशियन, सिलोरियन, डिवोनियन, वो करते करते आपकी जाती होलोसीन या रिसेंट तक, तो उसका मैंने कोड बनाया है। चलिए मैं आपको इस कोड को और डिटेल में समझाता हूँ। तो ये कोड कैसा है कि प्रेग्नेंट कैमल्स ऑफन सिट डाउन केयरफुली, परहैप्स देयर जॉइंट्स क्रीक, परमानेंट अर्ली ऑयलिंग माइट प्रिवेंट पेनफुल रिमेटिज्म। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे प्रेग्नेंट से जो पीआरई लिया गया या प्री कैम्बियन का पार्ट है, उसके बाद कैमल का कैम लिया गया, कैम्ब्रियन हो गया, ओ यहाँ पे ऑडोविशन हो गया, एस यहाँ पे सिलोरियन के लिए लिया गया है, फिर डाउन का यहाँ पे डिवोनियन है, फिर केयरफुल से आपका कार्बोनिफारस हो गया है, परहैप्स से आपका परमियन हो गया है, देयर जॉइंट्स क्रीक से आपका हो गया ट्राइसिक, जुरैसिक एंड क्रिटेशियस। उसके बाद हम मूव करते हैं पैलियोसिन, ईओसिन, ओलिगोसिन जो कि परमानेंट अर्ली ऑयलिंग माइट प्रिवेंट पेनफुल रिमेटिज्म, मतलब प्लियोसिन, प्लेस्टोसिन एंड रिसेंट या होलोसिन, यहाँ से आपका ये आता है। तो कितना आसान है इस कोर्स से याद करना, मगर आपको क्वेश्चन तो पूछा गया था टाइम के बारे में, तो टाइम का मैं पूरा डिटेल में बना रहा हूँ कि प्री कैम्बियन का आपका जो टाइम है 2500 मिलियन ईयर, तो मैं उसके लिए स्पेशल लेक्चर आपको बनेगा 10 से 15 मिनट का, जिसमें हम डिटेल में बताएंगे कि उस चीज़ को आप कैसे याद करेंगे टाइम पीरियड के लिए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको से बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलने वाली इन फ्यूचर। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन के तरफ मूव करते हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो मैं टाइम पीरियड के लिए आपको कोड बना के दूंगा वो इंटरनेशनल क्रोनोस्टेरोग्राफी चार्ट के हिसाब से होगा, क्योंकि ये लेटेस्ट चार्ट है। क्योंकि टाइम क्या है, जब मैंने अपना एमएससी किया था तो उसमें जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल थी वो थोड़ी वो बहुत ही चेंज हो गई, अपडेट हो गई। आपको पता है अपडेट क्यों होती है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास डेटा आते जाते हैं, हम ये जो आपका टाइम पीरियड है ये अपडेट होता जाता है। तो हम जो टाइम पीरियड का आपको न्यूमोनिक बनाएंगे वो इस टेबल से बनाएंगे जो कि इंटरनेशनल क्रोनोस्टेरोग्राफी चार्ट के हिसाब से है, जो कि इनके साइट पे मौजूद है। अब दूसरा क्वेश्चन है अ ट्रेंच इज फाउंड एट। अब बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अ ट्रेंच, ट्रेंच से क्या मतलब है। अगर इसको आप पूरा तरीके से पढ़े तो ट्रेंच में बेसिकली ओशियानिक ट्रेंच की यहाँ बात की जाती है, इसको आप ओशियानिक ट्रेंच लिख सकते हैं। तो आपको याद होगा कि ओशियानिक ट्रेंच कहाँ बनेगी, ओशियानिक ट्रेंच आपकी बनेगी कन्वर्जेंट बाउंड्री पे, ये प्लेट बाउंड्री पे। ये एग्जांपल से आप देख सकते हैं, मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, यहाँ पे आपका ट्रेंच है और ट्रेंच कहाँ बन रही है, जो सबडक्शन हो, जहाँ पे कोलिजन हो रहा है, जहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, इसीलिए इसका आंसर कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री है। और अगर आपको याद करने का तरीका मतलब थोड़ा सा याद करना है, तो ट्रेंच अगर नहीं याद आ रहा तो मरियाना ट्रेंच याद कर लिए। मरियाना ट्रेंच कहाँ पे बनता है, अगर उसको देखेंगे तो आपको याद आ जाएगी वो सबडक्शन जोन, वो जो आपका कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री है वहाँ पे बन रहा है। और मरियाना ट्रेंच के बारे में आपको पता है ये सबसे डीपेस्ट पार्ट है अर्थ पे, जहाँ पे आप मतलब अगर आप ओशन में जाएंगे तो सबसे डीपेस्ट पार्ट है। अगर इसको और डिटेल में समझना हो तो आप कोर मूवी भी देख सकते हो, उसमें काफ़ी अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को बताया गया है। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा, द स्ट्राइक इन डिग्री नोटेशन ऑफ अ बेड इज 30 डिग्री। 30 डिग्री ये क्या है, ये आपका डिप
अमाउंट है कि जिस कितने अमाउंट से, डीप अमाउंट का मतलब कोई भी जो बेड होती है वो 0 से 90 डिग्री इंक्लाइन हो सकती है, मतलब ये हॉरिजेंटल से अगर बात करें तो कितना डीप कर रही है, अगर हॉरिजेंटल है तो 0 है तो एंगल हॉरिजेंटल से कितना बना रही है, यही आपका डीप अमाउंट होता है। उसके बाद ये जो डायरेक्शन होती है ये आपका 0 से लिया जाता है, ये नॉर्थ होता है, नॉर्थ से 360, नॉर्थ से 90 हो गया, ये आपका 180 हो गया, ये 270 हो गया, तो किस क्वाड्रेंट में आपका आर है ये उसकी बात होती है। तो अगर हम 945 नॉर्थ 45W की बात करें तो 45 यहाँ पे अमाउंट है कि वो नॉर्थ से 45 डिग्री है, तो अगर ये नॉर्थ की बात करें तो ये 45 डिग्री टूवर्ड्स वेस्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वेस्ट है। तो चलिए हम इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपके लिए पढ़ देते हैं कि पहली बात तो जो हम डेटा लेते हैं फील्ड में वो स्ट्राइक डीप और डीप डायरेक्शन के हिसाब से लिया जाता है। अगर आपने डीप और डीप डायरेक्शन भी लिया है तो इससे स्ट्राइक निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जो स्ट्राइक होती है वो डीप डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। माइंड इट, अगर आपने स्ट्राइक लिया और डीप अमाउंट लिया है तो आप डेटा को प्लॉट नहीं कर सकते। आपको डेटा प्लॉट करने के लिए स्ट्राइक, डीप और डीप डायरेक्शन या तो तीनों लीजिए या तो डीप डायरेक्शन और डीप लीजिए, क्योंकि डीप डायरेक्शन से आपको स्ट्राइक निकल आएगी, क्योंकि जो इस डीप डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है स्ट्राइक के। तो आप किसी भी तरह के नोटेशन से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है नॉर्थ 25 डिग्री ईस्ट लिखिए, या तो फिर आप उसको जो हमारा 360 का होता है उससे लिखिए। 360 का मतलब फिर ये नॉर्थ 25 डिग्री ईस्ट का मतलब हुआ कि नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन में ये आपका 25 डिग्री है, तो इसको 0-25 भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है यहाँ पे। और आप देखिए कि अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्ट्राइक जो मैंने बता दिया, या तो डीप और डीप डायरेक्शन के हिसाब से लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि ये आपकी जो डीप डायरेक्शन है 0-90 डिग्री और ये डीपिंग टूवर्ड्स साउथ यहाँ पे दिया गया है। चलिए अब हम जो आंसर की बात करें तो मैं आंसर थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ कि 0-45 ये क्यों आया है। जैसे मैंने आपको बताया नॉर्थ ये 0 हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये 180 हो गया और ये 270 हो गया। अभी कह रहे कि नॉर्थ से वेस्ट तरफ, नॉर्थ वेस्ट है तो ये इस डायरेक्शन में 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री आपका है, तो ये हो गया नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट हो गया। अब आपको मैंने बताया कि जो डिप डायरेक्शन होता है उसके परपेंडिकुलर में स्ट्राइक होता है, तो अगर इसके परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी, ये लाइक होगी। स्ट्राइक डायरेक्शन जो होती है वो नॉर्थ साउथ, मतलब वो दोनों डायरेक्शन में होती है, कोई एक वैल्यू नहीं होती उसकी। तो अब हम इसकी बात करें तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये 45 होगा और ये भी 45 होगा। अब यहाँ से देख 270 अगर 45 माइनस करेंगे तो ये 225 आएगा और ये 45 आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे जो आपको वैल्यूज दी गई है यहाँ पे 0-45 255 दिया है, क्योंकि स्ट्राइक डायरेक्शन जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी डीप डायरेक्शन के, तो वो मतलब आपके दोनों डायरेक्शन दोनों कोऑर्डिनेट्स में मूव करेगा, इसीलिए 0-45 to 225 लिखा गया है यहाँ पे। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या है, रैंडम ओरिएंटेड ओ बियरिंग वेलनेट्स इन अ मास ऑफ रॉक आर नोन एज। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली इसका आंसर आप दे सकते हैं, ये अगर आप सर्च भी करते हैं या कोई भी बुक्स पढ़ते हैं इसमें डायरेक्टली लिखा गया है कि जो रैंडम ओरिएंटेड ओर बियरिंग होती है, यहाँ पे रैंडम ओरिएंटेशन की बात हो रही है, तो अगर रैंडम ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो ये स्टॉक वर्क्स होता है। देखिए यहाँ पे देखा भी है, स्टॉक वर्क्स इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चरली कंट्रोल और रैंडमली ओरिएंटेड वेन्स होती हैं, इसीलिए डायरेक्टली यहाँ पे स्टॉक वर्क्स आप लिख सकते हैं। शीट फ्रेंड आप जानते हैं क्या होता है, लोड भी आप जानते हैं, इनक्लम वेन्स भी जानते हैं, तो इसमें ये तीनों कहीं नहीं फिट हो रहा था, इसलिए स्टॉक वर्क्स आपका आंसर होगा। स्टॉक्स आर कॉमनली इन मेनी ओल्ड डिपॉजिट टाइप्स एंड इन ग्रीनेसिस दे आर ऑल्सो रिफर्ड एज टू स्ट्रिंजेंट जोन। अब यहाँ पे ग्रीनेसिस क्या होता है मैं ये भी बता दूं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, अब हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको ग्रीसेंस के ही बारे में पूछ लिया जाए, तो ग्रीसेंस होता है इज अ हाईली अल्टर्ड ग्रेनाइट रॉक और पेगमाटाइट। ये जो हाईली अल्टर्ड ग्रेनाइट रॉक या पेगमाटाइट होता है उसको ग्रीसेंस भी बोलते हैं। हम मूव करते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द डायग्नोस्टिक एम्फीबोल इन ब्लूशीट फेसिस मेटाबेसाल्ट इज। अब यहाँ पे डायग्नोस्टिक एम्फीबोल का क्या मतलब है कि जो एम्फीबोल होता है ब्लूशीट फेसिस में, वो अगर हम मेटाबेसाल्ट मतलब बेसाल्ट जो है अगर उसका हम मेटामॉर्फिज्म कर रहे हैं ब्लूशीट फेसिस में, जो आपकी रॉक है वो मेटाबेसाल्ट है और जो आपकी फेसिस है वो ब्लूशीट है, और ये आपको मिनरल के बारे में किसके बारे में पता है, एम्फीबोल के बारे में करना है, तो उस पूरे में कौन सा होगा, वो ग्लूकोफेन होगा। कहाँ से आया ये भी मैं आपको बता दूं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो थ्योरी यहाँ पे लिखी है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चार्ट। अगर ये चार्ट आपको याद है तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि हमको यहाँ पे ब्लू
इंट्रूसिव फेसिस की बात करना है, हमारा रॉक बेसाल्टिक टॉक है, तो इसमें जो हमारा एम्फीबोल आता है वो ग्लूकोफिन से आता है, तो ये आंसर होगा। अब मैं आपको रिफर करता हूँ कि ये आप टेबल अपने पास रखिए, इस टेबल का अगर आप याद कर लेते हैं तो जैम के दो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। बहुत ईजी टेबल है, ये फेसिस के बारे में दिया गया, उस फेसिस में आपको रॉक टाइप दिया गया, शेल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, और ये इसको आप पैलेटिक रॉक और क्या कहते हैं वो दूसरी और रॉक भी कहते हैं, तो उस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको अगर याद कर लेते हैं या दो तीन बार अगर अपनी टेबल पे इसको स्टिक कर देते हैं तो आप देखते ही देखते ही आपको ये याद हो जाएगा और आपको दो क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। अब हम मूव करते हैं अगले हमारे छठे क्वेश्चन के लिए। एटॉल इज अ जियोमॉर्फिक फीचर फॉर्म बाई, एटॉल बेसिकली क्या होता है, ये आपका ओशन में बनता है वॉल्केनिक कोलिजन की वजह से, और ये करेक्टरिस्टिक फीचर है कोरल रीफ का, इसीलिए इसका आंसर डी है। यहाँ पे देख सकते हैं कोरल रीफ एक्युमुलेशन, यहाँ पे थोड़ा थ्योरी लिखी गई है, एन एटॉल समटाइम नोन एज अ कोरल। अब अगर मान ली यहाँ पे एटॉल की जगह पे कोरल एटॉल लिखा होता तो आपको आसान हो जाता यहाँ पे आंसर देना, इसीलिए कुछ टिप्लिक वर्ड हटा देते हैं ताकि आपको दिक्कत हो। तो कोरल एटॉल इज अ रिंग शेप, देखिए यहाँ पे कैसा है, अब रिंग शेप कोरल रीफ इंक्लूडेड इन अ कोरल रिम दैट इन सर्किल अ लगून पार्शली और कंप्लीटली। हाउ इट इज फॉर्म, द टिपिकल एटॉल वॉज ओरिजिनली एन ओशियानिक वॉल्केनो, जो ओशियानिक वॉल्केनो होता है मैं आपको दिखाता हूँ, ये ओशियानिक वॉल्केनो होता है, पहले ये कोलैप्स होता है, फिर उसके बाद इरोड होता है, इरोड होने के बाद ये लगूंस रह जाता है और इसका फीचर जो रहता है इस तरह का हो जाता है, तो इसी फीचर को हम एटॉल बोलते हैं। तो एटॉल इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, आपको पता ही चल गया, कोरल रीफ। हमारा सातवां क्वेश्चन है, अप्रॉक्सीमेट 71% ऑफ द प्लैनेटरी मास इन द सोलर सिस्टम इज कंसंट्रेटेड इन। आपको मैं बता दूं कि जो हमारे 9 प्लैनेट है उसमें सबसे ज़्यादा मास जुपिटर का होता है और सारा का सारा मास जुपिटर ने अपने अंदर बसा लिया है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आंसर हमेशा आपका अगर मास की बात करें या साइज़ की बात करें तो जुपिटर बाजी मारता है, तो जुपिटर इज योर राइट आंसर। और यहाँ पर आप देख लें कि जुपिटर को जुवेलियन मास भी कहते हैं, इसको एक मतलब मेजरमेंट के तौर पर लिया जाता है कि अगर हमें मास कंपेयर करना है प्लैनेट में तो जुवेलियन मास जो कि जुपिटर का मास है उससे लिया जाता है। तो जुपिटर इज बाय फार द मोस्ट मैसिव प्लैनेट, यहाँ पे देख लिया, मोस्ट मैसिव प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम एंड इट इज अप्रॉक्सिमेटली 2.5 टाइम एज मैसिव एज ऑल ऑफ द अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। मतलब सारे प्लैनेट्स का आप वेट ले लिए तो उनसे भी ज़्यादा मास आपका जुपिटर का होगा, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जुपिटर है। अब हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल फील्ड इज नॉट लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट आपको पता है कि अगर आपको इंडिया का मैप याद हो तो ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट में बेसिकली आपका गुजरात, जहाँ पे ज़्यादातर ऑयल फील्ड है, गुजरात, राजस्थान, मुंबई, ये तीन चार जगह है जहाँ पे आपको ऑयल्स मिलते हैं, बेसिकली गुजरात और मुंबई में ज़्यादातर मिलता है। तो अगर आप देखें जैसे कि नाम सजेस्ट करा बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई कहाँ होगा, बॉम्बे में होगा तो ये वेस्टर्न घाट में होगा। अंकलेश्वर कहाँ है और गंधार कहाँ है, आपको गंधार याद हो तो गंधार, हम यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ आंसर इसका मोरन है, मैंने धीरे धीरे लिखा है आपको, अंकलेश्वर आपका गुजरात वेस्टर्न पार्ट में हो गया, अंकलेश्वर भी गुजरात में है और गंधार भी गुजरात में, सिर्फ जो मोरान है मोरान आपका आसाम में है जो कि ईस्टर्न पार्ट में होता है, इसीलिए इसका आंसर आपका डी मोरान है। अब हम द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ कॉन्टिनेंट क्रस्ट की बात करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो एलिमेंट यहाँ पे देखिए बात करिए या बात समझिए, यहाँ पे जब आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ध्यान क्या देना है कि आपसे एलिमेंट की बात हो रही है कि मिनरल की बात हो रही है कि सिलिकेट मिनरल की बात हो रही है, तो इस तरह का जरूर ध्यान दीजिएगा। और कहाँ पर बात हो रही है, अर्थ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात हो रही है कि एटमॉस्फेयर की बात हो रही है या टोटल सिर्फ अर्थ की बात हो रही है या सोलर सिस्टम की बात हो रही है, प्लीज क्वेश्चन जरूर पढ़िए उसके बाद आंसर दिए। तो यहां पे हमको एलिमेंट पूछा गया है तो हम सिर्फ सिंगल एलिमेंट की बात करेंगे और अर्थ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात किया गया, तो इसका आंसर सी है। ठीक है, तो सी मतलब ऑक्सीजन है, वो कैसे है मैं आपको याद करने का तरीका बता दूं कि आपको जनरली पता है कि बहुत से एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में जो कि मौजूद है, बट अगर हम मेजरली बात करें तो ये 8 एलिमेंट मौजूद है जिसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेरस, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम है। तो इसको याद करने का मैंने आपको तरीका यहाँ पर लिखा है कि अगर आपको याद करना है सिक्वेंशली तो कैसे याद करते हैं, ओनली स्ट्रॉन्ग एथलीट्स इन कॉलेज स्टडी पास्ट मिडनाइट, ये इसका कोड है, कैसे, ओ फॉर ऑक्सीजन, एस स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एस सिलिकॉन के लिए, ए एथलीट्स के लिए, इन आपका यहाँ पे आई जो है ये फेरस का आयरन से लिया गया है, तो यहाँ आयरन से लिया गया तो इसलिए यहाँ पे आई है, ये कैल्शियम का कॉलेज ले लिया गया, यहाँ स्टडी जो एस लिया गया है ये सोडियम से लिया गया, ये याद करने का तरीका है, ये पोटेशियम का यहाँ पे नाम जो है पोटेशियम ये उससे लिया गया है आप समझिए, फिर मैग्नीशियम का तो मिडनाइट यहाँ पे लिखा गया। तो अगर आपने ये याद कर लिया कि ओनली स्ट्रॉन्ग एथलीट्स इन कॉलेज स्टडी पास मिडनाइट, तो ये आपको 8 एलिमेंट्स जो अर्थ
क्रस्ट में मौजूद है, जो अबंडेंस है उनका सीक्वेंस है। तो ये दूसरा तरीका मैंने आपको याद करने का बता दिया है। अभी इसमें जैसे कि मैंने बताया आपका दूसरा भी लिखा हुआ, अगर वो याद करना चाहते हैं एज पर आपका जो मिनरल्स है वो है, जैसे ओनली स्ट्रांग एथलीट्स फाउंड्स कॉलेज नेम कीप मिडनाइट, मतलब ये आपके ऊपर है, आप अपना खुद का कोड बना सकते हैं। अगर आप अपना खुद का कोड बनाते हैं तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं अपने वीडियो में उसको ज़रूर दिखाऊंगा, आपका नाम भी दूंगा और आपको क्रेडिट भी दूंगा। जैसे कि मैंने बोला कि आपको अगर अभी यहाँ पे ये ऑक्साइड्स की बात करें, अब ये जो एलिमेंट्स थे आपके जो कि हमने यार अभी जो आठ एलिमेंट है ऑक्सीजन सिलिकॉन ये सब जब ऑक्साइड बनाते हैं, तो अब जो ऑक्साइड के अबंडेंस की बात करें तो उसका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, हम यहाँ पे सिर्फ आठ सात लेते हैं, सिर्फ हमने यहाँ पोटेशियम तक लिया हुआ है, ये सात एलिमेंट्स का अगर हमने कोड बनाया है तो ये कोड हमारा बन के आता है सिली एथलीट्स कॉल मैगी नेस्टी फ्यू नोन, यहाँ पे ऐसा आपका आ गया सिली एथलीट्स कॉल मैगी नास्टी फ्यू नोन। ये कैसा होगा, सिली का मतलब सिलिकॉन, एथलीट्स का मतलब एल्युमिनियम। अब यहाँ पे बात है कि जो हमने पहला वर्ड लिया है सिलिकॉन, तो ये सिलिका भी याद रखें, SiO2 के लिए, ये आपका ऑक्साइड्स के लिए, ये जो कोड आपका है ये ऑक्साइड के लिए है, ये याद रखिए आप, ठीक है। कॉल का कैल्शियम हो गया, मैगी का आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, नास्टी का वो सोडियम ऑक्साइड हो गया, फ्यू का यहाँ पे फेरस ऑक्साइड हो गया, K2O2 जो नोन का लिए ये हमारा पोटेशियम ऑक्साइड है। तो ये दूसरा तरीका आपको हमने बता दिया याद करने का। और आज का टॉपिक का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो है मैमल फॉसिल्स और कॉमनली फाउंड इन किस ये इसमें होता है। बेसिकली जो मैमल्स जो करेक्टरिस्टिक शिवालिक में पाए जाते हैं, वहाँ पे आप ये समझिए कि ये जो मैंने आपको दिखाया है कि लास्ट क्वेश्चन तो था हमारा वो कैलीग्राफी से था, मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, उनके तरीके बताए, उनको याद करने का भी तरीका बताया। वेलकम टू माय चैनल, आपका फिर से स्वागत है हमारे जैम के क्वेश्चन आंसर सीरीज में। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन 1 to 10 सॉल्व कर लिया था, आज हम उसके आगे प्रोसीड करेंगे और अपना MCQ का सेक्शन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में आपको MSQ का सेक्शन आएगा और लास्ट में हम नेट के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो 2020 में आए। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट करें चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। पहला क्वेश्चन है हार्डनेस ऑफ द ग्राउंड वाटर इज डिटरमाइंड बाय, आपको एक एक के बारे में पहले डिटेल में अगर पता होना चाहिए तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इवन कोई भी MCQ क्वेश्चन हो, जो MSQ क्वेश्चन हो, इसमें आप अगर ऑप्शंस देखते हैं तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाता है कि क्या आंसर होना चाहिए। तो मोर स्केल ऑफ हार्डनेस आपको पता है ये मिनरल से रिलेटेड है, उसके बाद आपको हम कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इट इज रिलेटेड टू योर हार्डनेस ऑफ द ग्राउंड वाटर या हार्डनेस ऑफ द सिंपल वाटर। बर्नौली इक्वेशन क्या होती है आपको पता है कि जो कंजर्वेटिव ऑफ एनर्जी होती है कि अगर एक हायर पार्ट से लोअर पार्ट में अगर वाटर फ्लो हो रहा है या फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसमें जो इक्वेशन गवर्न होती है वो बर्नौली इक्वेशन होती है। और डार्सी लॉ जो होता है वो आपका फ्लो ऑफ द वाटर के लिए भी डार्सी लॉ होता है। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज रिलेटेड टू द हार्डनेस ऑफ द ग्राउंड वाटर, तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा। फिर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका मिनरोलॉजी से रिलेटेड है, ये थोड़ा इन डेप्थ क्वेश्चन है, इसके लिए आपको थोड़ा डिटेल में जानना पड़ेगा कि हेक्सागोनल सिस्टम जो होता है उसमें हमारे जो क्लासिफिकेशन दिए गए हैं वो किस हिसाब से दिए गए हैं। आपका हेक्सागोनल सिस्टम में दो कैरेक्टराइजेशन है, एक ट्राइगोनल है दूसरा हेक्सागोनल है। ट्राइगोनल जो कैरेक्टराइज होता है वो 3/4 एक्सिस ऑफ रोटेशन एट सी एक्सिस पे होता है, जबकि हेक्सागोनल को अगर कैरेक्टराइज करेंगे तो इतने क्लासेस आते हैं इसमें। इसमें जो हमारा जो क्वेश्चन हमको दिया गया है वो हेक्सागोनल ड्राई पिरामिड है, वो 6/m से शो करता है, 6/m का मतलब होता है 6-fold axis of symmetry at C axis and one plane mirror perpendicular to the C axis। ये थोड़ा सा डिटेल्ड क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, इसके लिए आपको थोड़ा इन डेप्थ पढ़ाई करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आप 2 नंबर का आराम से कर सकते हैं, बट इसको आप तब थोड़ा डिटेल में पढ़िए जब आपके सारे चैप्टर्स कायदे से तैयार हो गए हों, क्योंकि 1-2 नंबर के लिए ज्यादा टाइम देना, आपको एग्जाम क्लियर भी करना है। देखिए दो चीज़ें, आपको एग्जाम भी क्लियर करना है साथ साथ अपनी नॉलेज को भी इंक्रीज करना है, तो उसी हिसाब से हम लोग को अपने कोर्स को डिफाइन करना है और अपने टाइम को उसको देना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि डी हो जाएगा, क्योंकि उसमें अ मिरर प्लेन दैट इज परपेंडिकुलर टू 3 vertical axis ऑफ सिमेट्री, तो हमारा डी आंसर हो गया एज पर द क्लासिफिकेशन जो हमको पिछले लास्ट स्लाइड में दिया हुआ था। अब हम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे मैचिंग वाला है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कहा था अगर मैचिंग वाला क्वेश्चन आपको करना हो तो थोड़ा बहुत भी अगर आपका आइडिया हो तो आप यहां से मिला के आप जो ऑप्शंस दिए हैं आप उस ऑप्शन को कैंसिल कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि क्रॉस हैच क्या होता है,
कार्लसबर्ग क्या होता है, पॉलीसिंथेटिक क्या होता है, ब्राजील क्या होता है और ये कैसे कैसे मिनरल से रिलेटेड है। यहाँ पे ट्यूनिंग की बात हो रही है तो हम एक एक ट्यूनिंग को डिस्कस करेंगे। तो आपको जैसे पता है कि जो दो कॉमन ट्यूनिंग होती है वो जो लॉ होते हैं वो एक अल्बर्ट लॉ होता है और पेरिक्लिन लॉ होता है और ये दोनों मिला के ही आपके कॉम्बिनेशन ऑफ पेरिक्लिन एंड अल्बर्ट ट्यूनिंग प्रोड्यूस क्रॉस हैच पैटर्न। और यही क्रॉस हैच पैटर्न जो होते हैं आपको माइक्रोक्लिन को डिस्टिंग्विश करने में बहुत ही मदद करते हैं जब हम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि जो क्रॉस हैच है इट इज रिलेटेड टू माइक्रोक्लिन, तो हमारा P2 हो गया। तो इस ऑप्शन में P2 देखते हैं तो या तो हमारा ऑप्शन B हो सकता है या तो ऑप्शन D हो सकता है। चलिए अब और दूसरा डिटेल में देखते हैं कि प्लेजुक्लेस के बारे में क्या है। प्लेजुक्लेस एग्जिबिट्स पॉलीसिंथेटिक ट्यूनिंग एज पर अल्बर्ट लॉ, जो अल्बर्ट लॉ के हिसाब से आपका पॉलीसिंथेटिक ट्यूनिंग दिखाता है प्लेजुक्लेस। तो आपका प्लेजुक्लेस किससे रिलेटेड हो गया, पॉलीसिंथेटिक से, तो ये आपका R1 हो गया। तो इसमें R1 कौन सा है, ये आपका ये R1 है, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली बी हो जाएगा। बट फिर भी हम डिटेल में थोड़ा सा आपको और बता देते हैं। जैसे यहाँ पे आपका ऑर्थोक्लेज और सेनिडाइन जो है इट इज बिलोंग्स टू द मोनोक्लिन क्रिस्टल सिस्टम एंड एग्जिबिट मैन बैच ट्यूनिंग, कार्लसबर्ग ट्यूनिंग एंड बबिनो ट्यूनिंग। तो आपका जो जिप्सम आल्सो बिलोंग्स टू द मोनोक्लिनिक सिस्टम क्रिस्टल सिस्टम एंड शोज सॉलो टेल ट्यूनिंग। तो आपको ऑर्थोक्लेज और सेनिडाइन किस तरह के ट्यूनिंग शो कर रहे हैं, मैन बेस्ट ट्यूनिंग, कार्लसबर्ग ट्यूनिंग और ब्रेनो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्यू जो आपका है, क्यू आपका Q3 से रिलेटेड हो गया, तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पे आ गया। तो आंसर भी आपका सही है, पर थोड़ा सा थ्योरी आपको मैं और बता दूँ। जो लास्ट बचा है जो कैल्साइट और क्वार्ट्ज होता है वो आपको एग्जिबिट पॉलीसिंथेटिक ट्यूनिंग वाइल्ड क्वार्ट्ज शोज डॉल्फाइन ब्राजील एंड जापान ट्यूनिंग। तो थोड़ा सा डिटेल भी हमने दे दिया और ऑप्शन वाइज जहाँ जैसे ही आपको 2-3 ऑप्शन मिले तो आप आंसर भी टिक कर सकते हैं और तो आपका आंसर भी आ गया जैसे कि आप देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आपको ट्रिक भी बता रहे हैं कि जल्दी से आंसर को कैसे सॉल्व करना है। नॉलेज तो आपने गेन कर लिया, अब आपको जैम में अच्छे नंबर लाने हैं, स्कोर अच्छे करने, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सही अटैम्प्ट करने हैं। तो ये एक तरीका होता है MCQ सॉल्व करने का कि आपने ऑप्शन मिला लिया और जल्दी से टिक करके आगे चले गए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा ये एविडेंस ऑफ लेट पैलियोजोइक ग्लेशिएशन, हमको यहाँ पे ग्लेशिएशन के बारे में पता करना है जो कि पैलियोजोइक एरा में हुआ था। तो समहाउ उसके बारे में हम देखेंगे कि ग्लेशिएशन के क्या साइंस होते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में कि जो ग्लेशिएशन कब हुआ था और किस किस वजह से ग्लेशिएशन कब हुआ था और उसके साइन क्या। अब जैसे कि आपको सारे फॉर्मेशन आपको पता है, ये सारे के सारे फॉर्मेशन आपके गोंडवाना के हैं, गोंडवाना में आपके पंचे सबसे ऊपर आता है, उसके बाद ये सारी सीरीज आती है जिसमें आपका तालचीर हो गया, मोतू फॉर्मेशन हो गया, बराका फॉर्मेशन हो गया। जो आपकी मोतू फॉर्मेशन है ये समहाउ इक्विवेलेंट टू आपका बैरन मेजर्स के इक्विवेलेंट होता है। तो एक एक के बारे में हम जानेंगे कि किसमें हमारे पास क्या मिनरल्स हैं, क्या डिपोजिशन इन्वायरमेंट रहा है, तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि वो ग्लेशिएशन कब हुआ था या नहीं हुआ था। जो फॉर्मेशन में अगर देखेंगे तो ये मोस्टली जो इसमें एब्सेंस ऑफ कोल सीम आता है, तो अगर एब्सेंस ऑफ कोल सीम से इसका मतलब ये एरिड क्लाइमेट में इसका एरिड इन्वायरमेंटल है डिपोजिशन का। तालचीर की बात करेंगे तो जैसे आपको पता है तालचीर बोल्डर बेड्स होते हैं, बोल्डर में यहाँ पे स्ट्राइशन देखे गए जो कि स्ट्राइशन इंडिकेट करते हैं ग्लेशिएशन ओरिजिन को, मतलब कोल्ड क्लाइमेट को जो कि रिलेटेड टू ग्लेशिएशन है। तो हमारा आंसर तो यहाँ पे भी हो गया, बट हम मोतूर फॉर्मेशन और बराकर फॉर्मेशन के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ये इक्विवेलेंट टू बैरन फॉर्मेशन है, ये भी लैक ऑफ सीम्स है, कोल सीम है, अगर लैक ऑफ कोल सीम है तो इसका भी मतलब आपका एरिड क्लाइमेट है। और बराका फॉर्मेशन में कोल सीम पाई जाती है, आपको पता है कोल डिपॉजिट के लिए ह्यूमिड इन्वायरमेंट होना चाहिए, तो ये ह्यूमिड कंडीशन है। हमने इसलिए थोड़ा सा बता दें कि हो सकता है कल को ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि बराका फॉर्मेशन का डिपोजिशन इन्वायरमेंट क्या है या मोतू फॉर्मेशन का डिपोजिशन इन्वायरमेंट क्या है, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर ग्लेशिएशन का तो तालचीर फॉर्मेशन हो गया, उसके अलावा और भी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पता चल गया मोतू फॉर्मेशन बैरन लैंड के इक्विवेलेंट होता है जो कि कोल सीम एब्सेंस है, तो वहां पर एरिड क्लाइमेट हुआ है, अब पंचेत के भी एरिड क्लाइमेट है और बराका फॉर्मेशन आपका ह्यूमिड क्लाइमेट में डिपोजिशन हुआ है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लैंडफॉर्म इन ग्रुप वन विद द क्रॉस वन, जैसे कि हमने आपको पहले बताया, फिर यहाँ पे आप मैचिंग वाला है। आपको पता है सिंडर कोन किसके इक्विवेलेंट होता है, सिंडर कोन आपका कोन है, कोन है आपके वॉल्केनो से इक्विवेलेंट होता है, तो P3 हो गया। तो इसमें देख ली P3 कौन सा है, या तो ये आपका एक्सक्लूड हो गया P3, अब या तो A होगा या तो D होगा। ऑक्स बो लेक आपको पता ही, ऑक्स बो लेक आपका फ्लूवियल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो आपका Q4 हो गया, ये भी Q4 है।
अब ये आंसर आपका ए ऑटोमेटिकली आ गया, ज़्यादा करने की जरूरत भी नहीं ना, मगर हम फिर भी देख लेते हैं कि और चीज़ें क्या है। तो हमारा ऑक्सबॉ इट इज़ रिलेटेड टू फ्यूरल ओरिजिन, द्रास जो होता है वो एलियन बेड फॉर्म होता है, जस्ट इट इज इक्वेलेंट टू रिपेल फॉर्मेशन, और जो ड्रमलिन होते हैं ड्रमलिन आपके ग्लेशियर ओरिजिन होते हैं, ये टिल होते हैं, ये हिल्स ऑफ टिल होते हैं, आपका मटेरियल होता है जो कि डिपोजिशन होता है ग्लेशियर एनवायरमेंट में, तो इट इज़ रिलेटेड टू ग्लेशियर, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली हो गया। डिटेल हमने आपको बताई था, आपको ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए, बाकी आंसर आप जैसे ही आपने शुरुआत में देखा था ए लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। Moving to the next question, identify the fault in the given figure where T0 and T-alpha represent the exact plane thickness at the hinge and the limb respectively. मैंने देखा है कि जैम के जब मैं इस क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो रामसी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके लिए हम एक डिटेल लेक्चर बनाने वाले हैं जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कब कब किस किस फॉल्ट का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे लेते हैं, जो लिम्ब की थिकनेस है या फिर हिंज की थिकनेस है उससे कैसे कोरिलेशन होता है, तो उसके लिए इंतजार मत करिए, बहुत जल्दी वो लेक्चर आने वाला है, और उसको करने के बाद रामसेस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व किए जाएंगे, और ये आपका 2 नंबर का जैम का हो चाहे गेट का हो सारे क्वेश्चन उसके आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो अभी से रिलेटेड ये अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका क्लास 2 में आता है, और क्लास 2 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो थिकनेस सेम है, आइसोगोनल्स आर पैलर और इनसाइड एंड आउटसाइड आर आइडेंटिफाई, दिस इज आर द सिमिलर फेट, क्योंकि यहाँ पे ये T0 T-alpha ये आपका ये थिकनेस जो सेम है, तो क्लास 2 आने की वजह से आपका ये सिमिलर फोल्ड हो जाता है। और डिटेल में जानने के लिए हम रामसे की क्लासिफिकेशन पूरा करेंगे, पूरा लेक्चर बनाया जाएगा, उसके बाद आपका उसका कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको जैसे पता है कि फॉल्ट के बारे में अगर आप बात करें तो जब फॉल्ट में आपका 2 तरह का फॉल्ट होता है, आपका एक जिसमें डिप दी होती है और जिसमें स्ट्राइक दी होती है, मतलब डिप के अलॉन्ग जब मूवमेंट होता है तो उसको डिप स्लिप फॉल्ट करते हैं, जब स्ट्राइक के अलॉन्ग मूवमेंट होता है तो उसको स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको स्ट्राइशन दिए गए, यहाँ पे दिए गए तो ये डिपिंग कर रहा है, इसका मतलब ये डिप स्लिप फॉल्ट हो गया जैसा कि आप देख रहे हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि इसमें हैंगिंग वॉल कहाँ है, फुट वॉल क्या है, ये आपका फॉल्ट है, फॉल्ट के एबव है आपका ये फुट, ये तो ये वॉल ऊपर है आपकी, ये वॉल नीचे है, तो नॉर्मल कंडीशन है इसमें, इसमें कोई अदर कंडीशन नहीं ना, तो ये आपका नॉर्मल फॉल्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके हैंगिंग वॉल मूव डाउन विद रिस्पेक्ट टू फुट वॉल, अगर इसको याद करना है तो ये आपका ये जो फॉल्ट प्लेन है, फॉल्ट प्लेन के ऊपर जो वॉल होती है वो हैंग करती है, तो इसलिए हैंगिंग वॉल कहते हैं, और एच बाद में आता है तो वो हैंग कर जाएगा फुट वॉल के, तो यहाँ पे आपकी हैंगिंग वॉल मूविंग डाउन विद रिस्पेक्ट टू फुट वॉल, और ये ऑब्जर्वेशन आपको हेल्प करती है कि जब इस तरह का होता है तो आपका नॉर्मल फॉल्ट होता है। अब नॉर्मल फॉल्ट के बाद आपका स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट होता है, रिवर्स फॉल्ट होता है, थर्स्ट फॉल्ट होता है, जब इसका उल्टा केस होता है कि जब हैंगिंग वॉल ऊपर जाती है तो रिवर्स फॉल्ट होता है, जब लो एंगल रिवर्स फॉल्ट होता है, लो एंगल रिवर्स फॉल्ट होता है तो उसको थर्स्ट फॉल्ट बोलते हैं, तो थर्स्ट फॉल्ट इज अ टाइप ऑफ रिवर्स फॉल्ट होता है। तो इन सारे के बारे में आपको पता चल गया, देखिए इस डिस्क्रिप्शन आपको सब पता होना चाहिए कि किसका क्या क्या मतलब है, उसके बाद आंसर लगाने में आसानी होती है, तो आपका आंसर ए हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या करना है, इन क्लासिक सेडिमेंट्री द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीज ग्रेन साइज, हमको ग्रेन साइज डिक्रीज होना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिल्ट है, क्ले है, फिर सिल्ट है, ये सैंड है, तो सैंड से पहले सिल्ट आ गया तो ये गलत हो गया, ये सिल्ट और क्ले आ गया तो ये भी गलत हो गया, ये ऑप्शन एक सही हो सकता है और ये ऑप्शन एक सही हो सकता है। अब हमारे पास ये देखना है कि कोबल ग्रेन्यूल और ग्रेन्यूल पेबल ये क्या है, ग्रेन्यूल क्या है ये देखना पड़ेगा, ये थोड़ा नया टर्म है, इन्होंने आपको कन्फ्यूज करने के लिए डाला है, तो इसके लिए हम एक क्लासिफिकेशन चार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ग्रेन्यूल आपका पेबल के सबसे नीचे आ रहा है, तो आपका कोर्स पेबल ऊपर है फिर ग्रेन्यूल है, इसका मतलब पेबल पहले आएगा फिर ग्रेन्यूल बाद में आएगा। तो आपने सीरीज देखी ली कि आपका कैसे सीरीज आ रहा था, आपका बोल्डर्स कोबल पेबल, फिर पेबल के बाद ग्रेन्यूल है, फिर ग्रेन्यूल के बाद आपका सैंड सिल्ट और क्ले है, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारा यहाँ पे ग्रेन्यूल से पहले पेबल तो नहीं है बट उससे कोबल है, तो ये सीरीज हो गया हमारी कोबल ग्रेन्यूल सिल्ट एंड क्ले, तो ये हमारा आंसर सी हो गया। और उसके बाद आगे मूव करते हैं, यहाँ पे ग्रेन्यूल के बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन लिखी हुई है कि ग्रेन्यूल होता क्या है, वो हम नहीं जाते हैं, वो आप कहीं से भी आराम से पढ़ सकते हैं, हम आपको बस वही समझा रहे हैं कि अपने जो आपने अभी तक जितना पढ़ा है उसी को नॉलेज को यूज़ करके आप बहुत आसानी से सारे सवाल को हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगेन फिर हमको मैचिंग वाला आ गया है कि इसमें असिमेट्रिक रिपेल क्या होता है, चलिए हम एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में देख लेते हैं कि ये होता क्या है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ऑप्शंस क्या होंगे। जो असिमेट्रिक रिपेल होते हैं ये इट इज़ क्रिएटेड बाय वन वे करंट जब मूव करती है, तो असिमेट्रिक रिपेल करते उसमें क्या होता है कि डिपोजिशन होता जाता है, या जो बेड लोड होते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है और सेडिमेंटेशन होते हैं तो डिपॉजिट होता है, इट इज़ समहाउ रिलेटेड टू योर P2 मतलब बेड लोड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेडिमेंट्स जो होते हैं उसकी वजह से असिमेट्रिक रिपेल बनते हैं।
हैं, तो आपका पी टू ऑप्शन हो गया। यहाँ पे आप पी टू में देख रहे हैं तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, हमारा बी और सी का ऑप्शन हो गया। उसके बाद तो डिश एंड पिलर, ये जब वाटर स्केप कर जाता है पॉसिबिलिटी अगर वाटर स्केप, तो उससे जो फीचर बनता है वो डिश और पिलर का स्केप का आता है। तो क्यू आपका हो गया आपका वाटर स्केप, तो क्यू वन हो गया। तो इसमें देख लीजिए आपका क्यू वन कौन सा, क्यू वन दोनों में है, तो आगे बढ़ते हैं। और आर फोर भी दोनों में है, तो आर फोर तो आपका स्कोरिंग बाय टर्बिडिटी करंट हो गया। अब वेवी बेडिंग की बात करते हैं, तो वेवी बेडिंग इज अ फ्लक्चुएटेड करंट, इट इज ट्रैक्शन डिपॉजिट एंड सस्पेंशन फॉल आउट इज ऑलमोस्ट इक्वल, तो इट इज रिलेटेड टू ट्रैक्शन एंड सस्पेंशन। तो आपका ट्रैक्शन एंड सस्पेंशन का देखेंगे तो ये आपका आपका एस थ्री हो गया, तो इनमें जो एस थ्री होगा वो ऑप्शन होगा, तो आपका आंसर बी हो गया। तो इस तरीके से आराम से आपने देख लिया कि असिमेट्रिक रिपेल सेडिमेंटेशन ट्रांसपोर्टेशन से बनता है, डिश एंड पिलर आपका वाटर स्केप की वजह से बनता है, फ्लूइड कास्ट आपका टर्बिडिटी करंट की वजह से बनता है, वेवी बेडिंग आपका ट्रैक्शन डिपॉजिट एंड सस्पेंशन फॉलोआउट की वजह से बनता है। आल आर आपका आप देख सकते हैं कि जो मॉर्फोलॉजी के कोई भी अच्छे से बुक उठाते हैं तो इसमें आपको बहुत डिटेल में ये चीज़ बता दी जाती है। आगे मूव करते हैं कि द करेक्ट पेयर ऑफ मेटल एंड द ओर मिनरल इज, इसमें हमको देखना पड़ेगा जो निकिल है तो स्पेलराइट उसका फॉर्मूला क्या होता है, और क्या स्पेलराइट वाकई में निकिल फॉर्मेशन करता है। तो इसी तरह एक एक ऑप्शन को देखते हैं। चलिए यहाँ पे हम जो हमारा निकिल स्पेलराइट है इसका फॉर्मूला होता है ZnFeS होता है, और ये ओर ऑफ जिंक होता है ना कि निकिल का होता है। टिन जो होता है कैसेटेराइट होता है, ये SnO2 होता है, ये टिन ऑक्साइड ही होता है और टिन का ही ये आपका ओर होता है, तो ये ऑप्शन आपका ये सही है। उसके अलावा हम जिंक देख देते हैं जिसका पायरोल्यूसाइड है, पायरोल्यूसाइड जो है MnO2 होता है जो कि ओर ऑफ मैग्नीज है, और लीड के लिए जो बोरोनाइट लिखा हुआ, बोरोनाइट का फॉर्मूला होता है Cu5FeS4 जो कि कॉपर का है, तो ये लीड का नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो गया बी हो गया जो हमने ऑलरेडी लगा दिया। जो स्पेलराइट के बारे में दिया वो जिंक का ओर है, कैसेटेराइट आपका टिन ऑक्साइड का है, पायरोल्यूसाइट आपको मैग्नीज का है, और बोरोनाइट आपका कॉपर का है। अगर उमेश प्रसाद आप आराम से पढ़ते हैं तो शुरुआती चैप्टर में बहुत डिटेल में दिया गया है, और सब जैसे हमने बोला जैम वालों को सब पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं ना, उनके टॉपिक वाइज जैसे जैसे क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो आराम से वो क्वेश्चन से टॉपिक चूज करके उतना ही टॉपिक अगर पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मैचिंग वाला हमारा कि डायमंड कहाँ पे पाया जाता है, आयरन कहाँ पाया जाता है, फ्लोराइड। तो चलिए एक एक डिटेल में हम देखते हैं। मलेंजखंड में जो आपका होता है, मलेंजखंड का अगर आपने नाम सुना होगा तो ये कॉपर माइन के लिए मशहूर है, तो मलेंजखंड इज रिलेटेड टू कॉपर, तो आपका S1 हो गया। फिर से देखते हैं S1 हमारा इसमें है, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा ऑप्शन या तो ए होगा या तो डी होगा। वज्रकुर किम्बर लाइट फील्ड होता है, आपको पता है कि किम्बर लाइट इज रिलेटेड टू डायमंड, जहाँ पे भी आपको किम्बर लाइट दिखे इसका मतलब वो डायमंड से रिलेटेड है, तो वज्रकुर आपका डायमंड से रिलेटेड है, तो आपका ये आपका P2 हो गया। तो इसमें आप देख सकते हैं P2, तो ऑप्शन तो हमारा डी हो गया। उसके अलावा भी और हम देख देते हैं कि दल्ली राजहारा ये टाउन है बलोद डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में जो कि फेमस फॉर आयरन ओर है, और अंबा डोंगर आपका फ्लोराइड डिपॉजिट है, तो आप देख सकते हैं अंबा डोंगर आपका फ्लोराइड डिपॉजिट है। जो चार का R4 हो गया, यहाँ पे R4 है आपका और S1 है, S1 मतलब आपका मलेंजखंड हो गया, फिर आपका दल्ली वाला आपका आयरन का था, तो ये आपका Q3 हो गया, तो ये Q3 हो गया। तो ऑप्शन तो हमने पहले ही लगा दिए थे, दो के बाद ही आपको पता चल गया था, बाकी हमने डिटेल में आपको बता दिया ताकि अगर इस तरह का और क्वेश्चन है तो आप उसको लगा सकें। डी ऑप्शन हो गया आपका। अब यहाँ पे हमको देखना है कि ये मिनरल सीक्वेंस जो है अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ शेयरिंग ऑफ SiO4 टेट्राहेड्रल, मतलब सबसे ज्यादा शेयरिंग SiO4 की किसमें होती है। आपको पता है ओलिविन जो होता है MgFe2SiO4, इसमें नो ऑक्सीजन ऑफ सिलिकॉन टेट्राहेड्रल शेयर होता है, इसका मतलब ये शेयरिंग इसकी जीरो है, तो ओलिविन हमारा पहला ऑप्शन होगा, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। एंस्टेटाइट की बात करें तो इसमें 2 ऑक्सीजन एटम शेयर पर टेट्राहेड्रल है, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, तो हमारा ये सेकंड ऑप्शन बी हो गया। इसका मतलब ऑप्शन तो हमारा बी होगा। और हम देख लेते हैं कि क्या हो सकता है इसमें। ट्रेमोलाइट इट इज समटाइम्स शेयर बाय द 2 ऑक्सीजन और वाइज सम आर शेयर 3 ऑक्सीजन, तो ये सम ये 3 नंबर पे आएगा, क्योंकि जो क्वार्ट्ज होता है इसके ऑल 4 सिलिका टेट्राहेड्रल शेयर टू फॉर्म 3 डायमेंशन नेटवर्क, तो इसमें क्वार्ट्ज में सबसे ज्यादा शेयरिंग होती है, तो ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। बट इसमें आप ये आप देख रहे हैं कि इसमें आपकी शेयरिंग में सिर्फ 2 ही टेट्राहेड्रल होता है, तो ऑप्शन हमारा बी हो गया। तो हमने ऑप्शन वाइज भी अपने सॉल्यूशंस को देखने हैं ताकि लॉजिकली आंसर वो सही हो। तो इसका सीक्वेंस क्या होगा, ओलिविन एंस्टेटाइट ट्रेमोलाइट क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज में सबसे ज्यादा शेयरिंग होती है और ओलिविन में कोई भी ऑक्सीजन शेयर नहीं होता। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटामॉर्फिक फेसेस सीरीज दैट एक्सप्लेन ओशियानिक सबडक्शन जोन मेटामॉर्फिज्म इज,
यहाँ पे आपको आपको पहले समझना पड़ेगा सबडक्शन जोन में जो मेटामॉर्फिज्म होता है वो कैसे करेक्टराइज होता है। ये आपका सबडक्शन जोन का ओशियानिक सबडक्शन जोन का ये करेक्टराइज बाई होता है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो हम लो टेम्परेचर हाई प्रेशर की बात करेंगे तो हमारा टेम्परेचर तो यहीं पर रहेगा, हाई प्रेशर आपका नीचे जैसे जाते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा विद डेप्थ। अब आपको मैं बता दूँ कि ये जो प्रेनाइट एंड पेम्पिलाइट जो होती है ये सीरीज ट्रांजिशनल सीरीज है बिटवीन आपका ये जियोलाइट एंड क्ले टू ग्रीन शिस्ट जो होती है आपकी, इसकी ट्रांजिशन सीरीज में आपका ट्रांजिशनल सीरीज में आता है आपका प्रेनाइट एंड पेम्पिलाइट। तो आपका जो सीरीज बनेगा देखिए, अब आपको ये समझ लीजिए कि आपका लो टेम्परेचर ही रखना है हमको, तो हम ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर सकते तो हम आगे नहीं जा सकते, तो हम समहाउ हम यहीं तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। और इसमें देखेंगे हम सिर्फ एक्लोजाइड तक जा पा रहे हैं कि ज़्यादा टेम्परेचर हम इंक्रीज नहीं कर सकते। और आप देख रहे हैं कि एम्फीबोल एम्फीबोलाइट ग्रेनोलाइट पायरोटाइट सेरिडाइन ये सब बहुत ज़्यादा ही हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मेटामॉर्फिक ग्रेड के हैं। तो हम अगर अपने आप को सिर्फ इस पे ही रिस्ट्रिक्ट करें कि लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर मेटामॉर्फिज्म की बात करें तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर आपका ब्लूशीट इक्लोजाइड फेसिस ये आपके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके, तो समहाउ रिलेटेड टू सिर्फ वर्डिंग पे जाएं तो हमारा जो आंसर होगा वो ए होगा, जिसमें हमारा ब्लूशीट फेसिस और इक्लोजाइड फेसिस पे जाके वो खत्म हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्सचरल फीचर्स ऑफ मैग्नेटिक रॉक विद कॉरस्पॉन्डिंग पेट्रोलॉजिकल प्रोसेसेस। अब देखिए आपको जो जब मिनरल्स बनते हैं तो उसमें बहुत सी रिएक्शंस होती हैं, जैसे आप अगर सॉलिड सोल्यूशन की बात करें तो उसमें कुछ रिएक्शंस होती हैं उनके नाम होते हैं, जो हमारे मिनरल्स ग्रोथ होती है उसके अलग अलग नाम होते हैं, तो उन्हीं के बारे में थोड़ा डिस्कस किया गया है। और वो अगर कैसे रिलेटेड है कि अब जब वो आपके कुछ रिएक्शंस होती हैं तो उससे रिलेटेड क्या मिनरल्स बनते हैं क्या फीचर्स होते हैं वो उसी का क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपका पहले जो एक्स सोल्यूशन होता है, एक्स सोल्यूशन होता क्या, प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड सोल्यूशन फेज अनमिक्सेस इनटू टू सेपरेट फेज इन द सॉलिड स्टेट। इगर हम इसको हम सब सॉलिडस भी बोल सकते हैं। तो मतलब क्या है कि एक्स सोल्यूशन लेमिनी जो बनता है या सब सॉलिडस कूलिंग की वजह से बनता है, तो ये ऑप्शन आपके करेक्ट ऑप्शन में आता है, तो ये तो आपका सही हो गया। उसके बाद हम और चीज़ देख लेते हैं कि क्या रिएक्शन रिम यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन से बनता है, नहीं ऐसा नहीं ना। आप देखेंगे तो रिएक्शन रिम जो फॉर्म बाय द पेरीटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन की वजह से आपका रिएक्शन रिम बनता है, और ग्राफिकल इंटरग्रोथ आपके मिनरल्स की इंटरग्रोथ की होती है, मतलब इसमें बहुत बड़े बड़े आपको मिनरल्स बनते हैं। और जैसा कि यहाँ पे ये क्विंचिंग की बात कर रहा है, आप अल्ट्रामे क्विंचिंग का मतलब होता है जब आपका अल्ट्रामेफिक रॉक क्विंच होगा तो उसमें ग्लासी फीचर होंगे, तो उसमें जो मिनरल्स ग्रेन होंगे बहुत छोटे छोटे होंगे, तो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, जबकि ग्राफिकल इंटरग्रोथ में आपको मिनरल्स बहुत बड़े बड़े मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज द इंटरग्रोथ ऑफ द क्रिस्टल मेनली फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज दैट प्रोड्यूस अ टाइप ऑफ पोकोलिटिक टेक्सचर इन विच लार्जर क्रिस्टल्स हैव अ फेयरली रेगुलर ज्योमेट्रिक आउटलाइन एंड ओरिएंटेशन एंड रिसेंबल क्यूनिफॉर्म राइटिंग। उसके बाद जो स्फीनिक टेक्सचर होता है ये पेरीटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन से बनता है, नहीं ऐसा नहीं ना। आपका स्फीनिक टेक्सचर इज अ लॉन्ग एसिकुलर फोनोक्रिस्ट ऑफ ओलिविन और सीडोमॉर्फ्स ऑफ अल्टरेशन मिनरल आफ्टर ओलिविन और पेरोजिन विच गिव्स अ रॉक अ ब्लेडेड अपीयरेंस। ये क्विंचिंग की वजह से होता है, ये उससे भी रिलेटेड नहीं है। तो आपका सही आंसर है एक्सोल्यूशन लेमिनी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 25वां क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। इसमें आपको बताना है कि ये जो रॉक का दिया गया है अ वॉल्केनिक रॉक कंसिस्टिंग ऑफ एल्कली फेल्डस्पार, इसमें आपका एल्कली फेल्डस्पार 70% है, सोडिक प्लेजियोक्लेस 10% है और नेफलिन 20% है। QAPF जो आपका यहाँ पे ट्रायंगल दिया गया है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें क्वार्ट्ज नदारत है, क्वार्ट्ज नहीं है, तो हमको सिर्फ नीचे की बात करना पड़े अल्कलाई प्लेजुक्लेस और फेल्डस्पैथाइट, जो कि यहाँ पे नेफलिन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये फेल्डस्पैथाइट में आता है। तो हमको सिर्फ अब जब हम इसका क्लासिफिकेशन करना है तो हमको नीचे का ट्रायंगल देखना है, और हम एक एक चीज़ को प्लॉट करेंगे। और आपको पता है कि इस तरह के ट्रायंगल में जहाँ पे ये आपका सेंटर होता है ये वाला, इसमें आपके जो मिनरल्स की कंपोजिशन होता है वो 100% होता है, फिर जब आप मूव करते हैं तो वो आपका कंपोजिशन घटता जाता है। तो यहाँ पे अल्कलाई ऑर्थोक्लेस 100% होगा, प्लेजुक्लेस यहाँ पे 100% होगा, ये आपका यहाँ पे 100% हो गया। चलिए अब हम एक एक को प्लॉट करते हैं। हमको 70% दिया गया है आपका ऑर्थोक्लेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा ये सोडिक था, आपका सोडिक कितना था आपका 10%, तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये 100% है, तो ये 10% है। फिर उसके बाद आपका नेफलिन यहाँ से बात करें तो ये 100% है, तो 20% यहाँ पे आया। तो ये सारे के सारे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कहाँ पे काट रहे हैं आप देख लीजिए, फिर से यहाँ पे 70% 10%, ये आपका काटने के बाद फोनोलाइट पे आता है, तो इसका आपका जो आंसर होगा ये फोनोलाइट होगा। मैंने आपको प्लॉट करके भी दिखा दिया।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, मैच द नेम ऑफ द ग्रेनाइटॉइड इन ग्रुप वन विद द कोरिस्पॉन्डिंग क्रिप्टॉन इन ग्रुप सेकंड। आपको जैसे पता है कि क्लोसफेट ग्रेनाइट जो आपका आपका धारण में होता है, तो ये आपका P3 हो गया। P3 कहाँ पे आ रहा है आपका, ये बी में और सी में है, तो ए आपका कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद बेराज ग्रेनाइट आपका अरावली क्रेटर में पाया जाता है आपका, तो यह आपका Q3 हो गया, तो इसमें सॉरी Q4 हो गया, तो अभी भी Q4 ही चल रहा है हमारे पास। डोंगरगढ़ ग्रेनाइट आपका बस्तर क्रेटॉन में होता है, सॉरी फॉर दैट, क्रेटॉन में होता है आपका, बस्तर क्रेटॉन में, ये आपका बस्तर में चला गया, तो आपका ये R2 हो गया, ये R2 हो गया, तो यही आंसर आपका हो गया B2। ब्लास्ट में आपका मयूरभंज ग्रेनाइट हो गया, तो वो सिंहभूम क्रेटॉन में पाया जाता है आपका। अब देखिए इसमें क्या है कि आप क्या क्या पढ़ेंगे जो आपको याद होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन आंसर सीरीज बनाई है, जो उसका एनालिसिस किया था जैम में, जो आपको दिखाया था, उसमें आपको पूरी स्टेटिग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं थी, ना पूरी प्लैंटोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं थी। जो मेन में कवर कर रहे हैं सेक्शन, उसका एक अलग से लेक्चर बनाया जा रहा है, वो जल्द ही आपको डिलीवर कर दिया जाएगा विथ शॉर्ट नोट्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको कोरिलेट करने की जो डिस्कॉन्टिन्यूटी है वो कैसे कैसे रिलेटेड है। आपको पता है जो मेन डिस्कॉन्टिन्यूटी है, अगर हम लेयर की बात करें, तो लेयर में आपका क्या आता है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो यहाँ पे आपको मेन दो डिस्कॉन्टिन्यूटी होगी, क्रस्ट से मेंटल के बीच में और मेंटल से कोर के बीच में। तो आपको पता है ये मोरवी डिस्कॉन्टिन्यूटी होती है और यहाँ पे गटनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी होती है। तो हमको इसको याद करने तक का MG है। उसके अलावा और सेकेंडरी डिस्कॉन्टिन्यूटी होती है कि क्रस्ट के बीच में डिस्कॉन्टिन्यूटी है, मेंटल के बीच में डिस्कॉन्टिन्यूटी है और कोर के बीच में डिस्कॉन्टिन्यूटी है। मगर पहले जो मेन दो है वो MG है, मतलब मोरोविसिस जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में है और मेंटल और कोर के बीच में गटनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी है। फिर भी हम एक एक डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन सी क्या क्या है। पहले हम आपको मोरोविसिस के बारे में बता दें, मोरोविसिस क्यों है, इसका मतलब ये किसके किसके बीच में, क्रस्ट और मेंटल के बीच में। तो हमारा ऑप्शन क्या है, क्रस्ट एंड अपर मेंटल, ये हो गया Q2। Q2 आपका किस में आ रहा है, ये Q2 हो गया, ये Q2 हो गया, ये Q2 हो गया, तो अभी ये एक्सक्लूड हो गया। उसके बाद आपको गटनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी पता है वो किसके किसके बीच में होती है, मेंटल और कोर के बीच में। तो यहाँ पे मेंटल देख रहे हैं, ये लोअर मेंटल आउटर कोर के बीच में हो गया आपका, ये वाला आपका R1, जिसमें R1 कहाँ पे आ रहा है आपका, ये R1 हो गया, तो ऑप्शन तो आपका A हो गया। उसके बाद आप देख ले कोनार डिस्कॉन्टिन्यूटी जो होती है आपकी, वो जो आपका इनर आपका अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच की जो डिस्कॉन्टिन्यूटी होती है उसके बीच में, जिसे लोअर एंड अपर क्रस्ट के बीच में जो डिस्कॉन्टिन्यूटी होती है वो कोनार डिस्कॉन्टिन्यूटी होती है, तो P4 हो गया, यहाँ पे आप P4 देख रहे हैं। और लेहमन डिस्कॉन्टिन्यूटी आपकी जो होती है, जो लास्ट बच गया आपका इनर और आउटर कोर के बीच में जो डिस्कॉन्टिन्यूटी होती है वो लेहमन डिस्कॉन्टिन्यूटी है। तो आपने देख लिया कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि पोरोसिटी ऑफ द वेदरिंग ग्रेन, देखिए आप जैसा वेदरिंग ग्रेनाइट की बात करते हैं, ये क्रिस्टलाइन ग्रेनाइट है। क्रिस्टलाइन ग्रेनाइट का मतलब इसकी जो पोरोसिटी होगी, इसमें पोरोसिटी आपकी जीरो होगी एज कम्पेयर टू वेदरिंग ग्रेनाइट, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। कोर सैंड हैव हाई पोरोसिटी एंड हाई परमियबिलिटी, तो इसमें सिर्फ सैंड की बात कर रहे हैं, तो हाँ ये होगा ही होगा, क्योंकि जो सैंड में भी यहाँ पे कोर सैंड दिया है, तो कोर सैंड की जो पोरोसिटी होती है और परमियबिलिटी होती है वो हाई होती है। क्ले हैव हाई पोरोसिटी, नो, क्ले की पोरोसिटी हाई नहीं होती है और परमियबिलिटी तो उसकी बहुत ही लो होती है। आप इसमें हम बीइंग जियोलॉजिस्ट और हम कंस्ट्रक्शन में भी काम करते हैं, तो हमको पता है कि जब हम परमियबिलिटी क्ले को, जब भी क्ले कहीं पर इंकाउंटर होती है तो बहुत डिफिकल्ट होता है कंस्ट्रक्शन करना। और क्ले में अगर आप कोई भी टेस्ट करते हैं रिलेटेड टू वाटर, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। ग्राउंड वाटर टेबल डज नॉट फ्लक्चुएट, ग्राउंड वाटर टेबल फ्लक्चुएट होता है। अगर आपका ग्राउंड वाटर, अगर आप पानी निकाल लेते हैं, ड्रेन आउट कर लेते हैं, तब भी ग्राउंड वाटर फ्लक्चुएट होता है। अगर या तो उसमें आप पानी भरते हैं तब भी ग्राउंड वाटर फ्लक्चुएट होता है, तो ये भी आंसर गलत है। तो आपका आंसर बी होगा यहाँ पे। अब मूविंग टू द, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह का बना हुआ है, ये एंगुलर अनकन्फर्मिटी है, डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं ना। ये एंगुलर टाइप की अनकन्फर्मिटी, यहाँ पे ये आपकी जो टी लेयर है और ये एस लेयर है, ये आपकी एंगुलरिटी बना रहा है, तो ये एंगुलर अनकन्फर्मिटी हो गया। अगर आप डिटेल में और अनकन्फर्मिटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डिसकन्फर्मिटी क्या होता है। और हमको लगता है सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा पता है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं ना, कि डिसकन्फर्मिटी कितनी तरह की होती है और हर में क्या क्या होता है, तो हम इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा जो लास्ट क्वेश्चन बचता है, इसमें हमको बताना है कि ये जो फॉसिल्स हैं ये किस किस फैमिली से या फाइलम से रिलेटेड है। तो वन बाई वन हम देखते हैं हमारा क्या है, ये जो प्रोडक्टस है तो जीनस ऑफ एक्सटिंक्ट ब्रैकोपॉड से रिलेटेड है। उसके बाद देखते हैं रेडलिचिया इज, ये ट्राइलोबाइट है, ये आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करता है, तो ये भी सही है हमारा।
उसके बाद क्या है, बेलिमेंटाइटिस में ये आपका एक्सटेंटिव ग्रुप है विद इन सब क्लास सोलिडिया ऑफ क्लास सेलिफोर्डा, तो ये भी सही है आपका, तो इसका मतलब यही आंसर गलत हो गया। बट ये गैरिफिया है क्या ये देख लेते, इट इज अ डीनाफ ऑफ एक्सटिंक्ट बाइवॉल्विया, और जो बाइवॉल्विया आपको पता है क्या होता है, ये गैस्ट्रोपॉड्स में नहीं आता, इसलिए आंसर गलत है आपका। इस तरह जैम में जो आपके फॉसिल्स रिलेटेड भी दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वही पूरी चीज़ें हम उसका एक चैप्टर एक शॉर्ट नोट बना के रखते हैं कि उसमें से ही हमको पढ़ना है, और उसको पढ़ने के बाद हम जैम क्लियर कर लेंगे। बट मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमको 2 या 3 फोल्ड स्टडी करना है। 3 फोल्ड स्टडी का मतलब क्या करना है, आपको अपनी बीएससी का भी एग्जाम क्लियर करना है अच्छे नंबर से, गुड मार्क्स से, उसके बाद आपको अपनी नॉलेज भी इंक्रीज करना है, साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपको जैम में अच्छी रैंक लानी है। तो हमारा 3 फोल्ड एग्जाम्स होंगे, 3 फोल्ड तरीका होगा सॉल्व करने का, और अब आपके कमेंट्स आप हमको दीजिए कि किस और तरीके से और बताया जाए, या कोई क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन में नहीं समझ में आया तो उसको भी ज़रूर बताइए। तो अभी तक के लिए इतना ही, इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर किए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जो रेड बटन आपको दिख रहा है उसको ज़रूर बताइए, और बेल आइकन को तो ज़रूर क्लिक कर दिए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए तो आपको अपडेट मिल जाए। थैंक यू। वेलकम टू कॉन्फिडेंट लर्निंग। आपने अभी तक जैम के क्वेश्चन आंसर को हम लोगों ने सॉल्व किया था, पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके थे। पार्ट 2 में हमारे जो क्वेश्चन आंसर थे, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 से 30 तक हमने एमसीक्यू वाले कर लिए थे, आज हम अपने लेक्चर में देखेंगे एमएसक्यू के जो 10 क्वेश्चन आते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। तो पहला क्वेश्चन हमारा होता है कि जो 31 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द सोलर सिस्टम इज आर करेक्ट। यही देखिए एमएसक्यू का क्या है कि इसमें आपके आंसर एक भी सही हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं, तो हमको सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को ढूंढना है और उसको निकालने की कोशिश करना है। यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, चलिए हम एक्सप्लेनेशन से इसके स्टार्ट करते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। एक एक करके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं कि पहला क्या है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट आर हीलियम एंड हाइड्रोजन। तो देखते थे इसमें क्या है, देखिए आपको पता है कि द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द सोलर सिस्टम इज हीलियम और हाइड्रोजन है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है कि द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट आर हीलियम एंड हाइड्रोजन। दूसरा क्या करें, द अबंडेंस ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 1 to 50 शो एन ओवरऑल, यहाँ पे देखिए ये वर्ड ओवरऑल का मतलब है ओवरऑल डिक्रीजिंग ट्रेंड, और मतलब अगर आप देखेंगे कि हो सकता हो कुछ एलिमेंट्स ना हो बट कुछ एलिमेंट्स हो, तो इसीलिए ओवरऑल ट्रेंड की बात किया जा रहा है। तो देखिए सोलर सिस्टम में और क्या है, अबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स जनरली शोज अ डिक्रीजिंग ट्रेंड विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे भी एकदम वही है कि डिक्रीजिंग ट्रेंड शो करता है, बट इसमें एक एक्सेप्शन है आयरन है, इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड दिया गया है आपको ओवरऑल। तो क्वेश्चन को समझिए, उसमें कंफ्यूज मत होइए। फिर तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि द अबंडेंस ऑफ हैवियर एलिमेंट एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 50 आर मोस्टली हायर देन, यहाँ हायर की बात कर रहा है जबकि ऐसा नहीं है, एलिमेंट्स अबव लिड दिस एटॉमिक नंबर 82 आर रेडियो एक्टिव एंड एक्सट्रीमली रेयर इन, तो ये आपका ऑप्शन गलत है सी वाला आपका। फिर देखिए क्या है, एलिमेंट्स हैविंग एन इवन एटॉमिक नंबर, देखिए आपका ये इवन एटॉमिक नंबर आर मोर अबंडेंट देन नेबरिंग ऑड काउंटरपार्ट्स, मतलब जो भी एटॉमिक नंबर जिनका इवन है वो ज्यादा अबंडेंट है एज कंपेयर टू और उनके ऑड काउंटरपार्ट के। और जो डी स्टेटमेंट हमारा क्या है, एलिमेंट्स हैविंग ऑड एटॉमिक नंबर आर मोर अबंडेंट, ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारे पास दो सही आंसर आया ए और बी का, तो हमारा आंसर क्या होता है, आंसर ए और बी। तो ये आपके ऑप्शंस होंगे। और ये भी बता दो कि ये जो डी स्टेटमेंट, इसको हम ओडो हार्किंस रूल भी कहते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, कभी कभी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ओडो हार्किंस रूल क्या है। चलिए हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है ऑर्थोजेनिक मिनरल फॉर्म ड्यूरिंग डायजेसिस ऑफ सैंडस्टोन। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन से ही हम इसके ऑप्शंस को भी देख लेंगे साथ ही साथ। तो इसका पहला जो ऑप्शन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑर्थोजेनिक मिनरल्स फॉर्म ड्यूरिंग डायजेनेसिस ऑफ सैंडस्टोन। पहले समझ लेते हैं कि डायजेनेसिस क्या है। डायजेनेसिस रिफर टू द इंटायर of physical and chemical process that occur after the depositions of sediments, ठीक है, तो ये statements आपके सही हैं। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, heavy minerals in sandstone are good indicator of provenance, provenance क्या होता है ये समझ लीजिए। यहाँ पे heavy minerals are those minerals that have specific gravity greater than 2.9, वो हमारे heavy mineral वो mineral कहलाते हैं जिनकी specific gravity generally 2.89 होती है, मैंने यहाँ पे 2.9 लिख दिया है। इसका मतलब ये भी statement आपका सही है कि heavy minerals in sandstone are good
गुड इंडिकेटर ऑफ प्रोविनेंस। अब आप देखिए कि तीसरा स्टेटमेंट क्या है, एन आर्कोज इज मिनरोलॉजिकली मोर मेच्योर देन क्वार्ट्ज एंड एरेनाइट। अब यहाँ पे समझिए कि उसी का क्या मतलब है, अ रॉक इज सेड टू बी मिनरोलॉजिकली मेच्योर विद इट कंटेन्स अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ रेजिस्टेंट मिनरल। आप कब किसी रॉक को मेच्योर बोलते हैं, जब उसमें रेजिस्टेंट मिनरल बहुत ज़्यादा होते हैं, जो एकदम लास्ट में डिपॉजिट होता है। तो ये हमारे रेजिस्टेंट मिनरल कौन कौन से होते हैं, वो क्वार्ट्ज हैं, ज़िरकॉन हैं, टर्मोलिन हैं। और जैसा कि आपको पता है आर्कोज होता क्या है, फेल्डस्पार इज नॉट अ रेजिस्टेंस मिनरल एंड आर्कोज इज एन एरेनाइटिक सैंडस्टोन रिच इज फेल्डस्पार। मतलब आर्कोज में फेल्डस्पार ज़्यादा होता है और फेल्डस्पार रेजिस्टेंट मिनरल नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। हम डी स्टेटमेंट की बात करते हैं, व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमारा दो टाइप का होता है, प्राइमरी मैट्रिक्स और डिट्रैक्टेड मैट्रिक्स। मगर इसमें समझ लीजिए कि जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इसको सीडो मैट्रिक्स भी बोलते हैं और ये भी है। अब देखिए, मगर यहाँ पे पता है कि मैट्रिक जो इटसेल्फ रिफर टू डिट्रैक्टेड मैट्रिक्स दैट बाइंड्स ग्रेन्स टुगेदर, सो ऑप्शन डी इज बिट कन्फ्यूजिंग। यहाँ पे समझ लीजिए कि ये ऑप्शन हो सकता है, बट ये थोड़ा सा बिट कन्फ्यूजन है थोड़ा सा क्रिएट किया गया। अगर आप इन डिटेल में जाएंगे तो ये आपको थोड़ा सा घुमा सकता है। तो यहाँ पे हमारे आंसर क्या क्या सही हो गए, ए बी और डी हो गए। डी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लैंग्वेज का थोड़ा सा फर्क है। तो हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि नंबर 33 है। इसमें हमारे जो मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है, इसमें डेंड्रिटिक पैटर्न की बात की है। तो हम एक एक डेंड्रिटिक पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं कि पैटर्न की ड्रेनेज पैटर्न की बात करते हैं, जिसमें हमारा डेंड्रिटिक है, ट्रेलिस है, रेडियल और रेक्टेंगल है। ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, कैसे कैसे बनता है, इनके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। डेंड्रिटिक पैटर्न बेसिकली क्या होता है कि स्ट्रीम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रिसेंबल द ब्रांचेस ऑफ ट्री, जो ट्री के ब्रांचेस होते हैं उसी तरह होते हैं। ये यूनिफॉर्म सबस्ट्रेट पे और जेंटल स्लोपी एरिया पे पाए जाते हैं। तो पहला क्या है, यूनिफॉर्म सबस्ट्रेट एंड जेंटली स्लोप, तो ये मैच कर रहा है, तो ये आंसर आपका हो गया। फिर हम ट्रेलिस की बात करते हैं, ट्रेलिस पैटर्न व्हेन अ रिवर इज जॉइंड बाय इट्स ट्रिब्यूटरीज एट ऑलमोस्ट राइट एंगल। जब ये राइट एंगल पे ट्रिब्यूटरीज बनती है, तो इस तरह के पैटर्न को हम ट्रेलिस पैटर्न कहते हैं। ट्रेलिस पैटर्न डेवलप वेयर हार्ड, यहां पे समझ लीजिए कि हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक एग्जिट पैरेलल टू ईच अदर। यहां पे देखिए क्या, पैरेलल वैलीज एंड रिजेस, तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो गया। फिर हम मूव करते हैं सी पे, सी हमारा क्या, व्हेन द स्ट्रीम, सी क्या है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न यूनिफॉर्म फ्लैट टोपोग्राफी। यहां पे क्या बात कर रहा है, फ्लैट टोपोग्राफी की बात कर रहा है, जबकि आपको रेडियल पता है ये डोम शेप होता है या आपका बेसिन शेप होता है, कि जिसमें आपका ड्रेनेज जो है सेंटर की तरफ जाता है या सेंटर से बाहर निकलता है। तो फ्लैट टॉपोग्राफी तो हो नहीं सकता है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। यहाँ लास्ट हमारा क्या, रेक्टेंगल पैटर्न व्हेन रॉक्स आर स्ट्रांगली जॉइंटेड है, ये जॉइंटेड, देन रेक्टेंगल पैटर्न डेवलप, इट डेवलप्स ऑन हाईली जॉइंटेड एंड फॉल्टेड टेरेन एंड इज हाईली कंट्रोल स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या देख ली, जॉइंट एंड फॉल्ट से रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पे भी आप देख लें कि हमारा कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए बी और डी। तो इसी तरह ये क्योंकि MSQ हो, तो इसमें एक से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, इसलिए हमको बहुत से ऑप्शन मिल रहे हैं। चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। ये बहुत ही क्वेश्चन है, इसमें आपको एक फॉल्ट दिया गया है और उसमें आपको बताना है कि किस तरह का फॉल्ट है, नॉर्मल फॉल्ट है, रिवर्स फॉल्ट है, और इसमें भी डेक्स्ट्रल है कि सिनिस्ट्रल है, वो देखते हैं। इसका मैंने थोड़ा सा डायग्राम टाइप का बनाया ताकि आपको थोड़ा समझ में आए, मैं सारी चीज़ों को आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कि मैंने इस मैप को थोड़ा सा उल्टा कर दिया और ये हमारा नॉर्थ है, तो हमने इस फॉल्ट प्लेन को नॉर्थ की तरह डिप भी कर दिया है। अगर आप इस लेयर को मिलाएंगे तो ये लेयर कुछ यहाँ पे होगी, यहाँ पे आनी चाहिए, उसके बाद ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है कि इसका जो आपका कुछ लेयर ऊपर जा रही है, तो ऊपर अगर लेयर जा रही है तो फॉल्ट का मूवमेंट ऊपर साइड पर हो रहा है, और जो फॉल्ट प्लेन के ऊपर हमारी लेयर ऊपर जाती है, तो इसको हम रिवर्स फॉल्ट बोलते हैं। अब ये चूँकि रिवर्स फॉल्ट आ गया, तो हमारा ऑप्शन बी तो सही हो गया। अब इसमें एक चीज़ और पूछा गया कि ये सिनिस्ट्रल है कि डेक्स्ट्रल, हो सकता है हर फॉल्ट में। आप देखें यहाँ पे देखिए, द स्लिप कैन बी oblique to the strike of the fault, fault connected can be either normal sinister, normal dextral, reverse sinister or reverse dextral. Dextral sinister का मतलब क्या है कि जब movement आपका clockwise होता है तो वो dextral होता है, मतलब कि आपका movement अगर इस direction में होता है, ये clockwise है, तो ये dextral कहलाता है आपका। और जब anti clockwise होता है, इस तरह का movement होता है इस direction में, तो उसको sinister कहते हैं। तो अभी अगर इस fault को आप देखेंगे तो fault आपका कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, तो ये sinister है, तो आपका डी ऑप्शन भी सही हो गया। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिले हैं, बी और डी। इसको देखिए मैप व्यू में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इसके लिए अगर आप लिजले की एक बुक आती है जियोलॉजिकल मैपिंग की, होगा उसको रिफर करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे बेडिंग प्लेन दिया गया है, ये भी बहुत आसान से है। इसमें अगर आपको साइन याद हो, देखिए ये आपको डिप का डायरेक्शन, ये आपके स्ट्राइक है और ये डिप का है नॉर्मल कंडीशन में, ये आपका हॉरिजेंटल डिप को शो करने के लिए है और ये वर्टिकल डिप को शो करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपको शो कर रहा है, ये वर्टिकल डिप को शो कर रहा है, तो
वर्टिकल डिप आप स्टीरियो नेट पे कैसे प्लॉट करते हैं, वो आपके सेंटर सो के पास होना चाहिए, ये आपका सेंटर है इससे पास होकर चलना चाहिए और एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो आपका थर्ड ऑप्शन ही सही है, तो आपका आंसर थर्ड हो गया। कुछ नहीं, आपको सिंबल अगर याद हो तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे कि हमने बोला लिजले की बुक आप रिफर करते हैं, उसके कुछ ही चैप्टर्स को आप पढ़ लें और सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। मूव करते हैं हम आगे हमारे 36 नंबर क्वेश्चन में, इसको भी हम एक्सप्लेनेशन से एक एक करके देखते हैं कि इसका क्या मतलब है, तो आसानी से आप ऑप्शंस को पिक कर सकते हैं। पहला हमारा ऑप्शन क्या है कि स्ट्रेटिफॉर्म क्रोमाइट डिपॉजिट फॉर्म बाय वेदरिंग ऑफ अल्ट्रामैफिक रॉक। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, स्ट्रेटिफॉर्म क्रोमाइट डिपॉजिट आर फॉर्म बाय आर्थोमैग्मेटिक प्रोसेस। द वर्ड स्ट्रेटिफॉर्म रिफर टू द कंटीन्यूअस समटाइम बायफर्केटिंग लेयर्स ऑफ क्रोमाइट। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, हम एक एक करके देखते हैं, फिर उसके बाद आप खुद ही बताइएगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा नहीं है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अल्ट्रामैफिक रॉक की बात हो रही है और वेदरिंग की बात हो रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए इस्कॉन डिपॉजिट और कॉन्टेक्ट मेटासोमेटिक डिपॉजिट मोस्ट कॉमनली होस्टेड बाई द कैलकेरियस रॉक लाइक लाइमस्टोन और डोलोमाइट इन कॉन्टेक्ट विथ फेल्सिक इंट्रोसिव। तो दूसरा हमारा जो था वो सही हो गया आपका। फिर निक्लिफेरस लेटराइट इज अ टाइप ऑफ प्लेसर डिपॉजिट। देखिए ऐसा होता है क्या, नहीं ऐसा नहीं होता है। निक्लिफेरस लेटराइट इज अ टाइप ऑफ डिपॉजिट फॉर्म बाय द रेसिडुअल कंसंट्रेशन एनालॉगस टू द मेनी बॉक्साइट डिपॉजिट। अगर आपने बॉक्साइट डिपॉजिट पर पता तो उसी तरह निक्लिफेरस डिपॉजिट भी होता है, ये प्लेसर डिपॉजिट नहीं है। फिर हम पढ़ते हैं जो गोल्ड बियरिंग वेन्स की बात करें, डिपॉजिट कैन फॉर्म फ्रॉम हाइड्रोथर्मल सोल्यूशन। गोल्ड बेयरिंग वेन्स डिपॉजिट कैन फॉर्म बाय हाइड्रोथर्मल प्रोसेस, ये सही ऑप्शन है आपका। तो हमको दो ऑप्शन सही मिले, कौन कौन से, बी और डी, तो ये हमने इसको यहाँ पे लॉक कर दिया है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा मिनरोलॉजी क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपको याद करने वाला क्वेश्चन है, तो अगर आप उसको याद कर लेते हैं तभी इसको कर पाएंगे। थोड़ा सा मगअप टाइप का है, इसको करना पड़ेगा, इसमें कोई मतलब इसमें कॉन्सेप्ट है बट उससे ज़्यादा थोड़ा सा याद भी आपको इसको करना पड़ेगा। तो हम एक एक एक्सप्लेनेशन लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा है। अंडर क्रॉस पोलर्स अ मिनरल रिमेंस डार्क। डार्क है मतलब उसमें जो भी लाइट पड़ रही है वो वापस नहीं आई, इसलिए पूरा का पूरा मिनरल वहाँ पे हमको डार्क शो कर रहा है। ये किस कंडीशन में हो सकता है कि हम जबकि जो निकोल्स है उसको हम पूरा रोटेट भी कर दे रहे हैं तब भी पे वो ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है। द मिनरल और आइसोट्रोपिक, आपको पता अगर मिनरल आइसोट्रोपिक होता है तो वहाँ उसमें क्या होता है, इफ अ मिनरल इज आइसोट्रोपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेम अलॉन्ग एवरी डायरेक्शन। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं वो सभी डायरेक्शन में सेम होता है, तो कोई भी कलर नहीं दिखाई दे, इसका मतलब वो डार्क है, तो पहले स्टेटमेंट हमारा सही है। अब हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहे, द मिनरल इज बाई एक्सियल विद एन ऑप्टिक ओरिएंटेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द इंड्रिक क्रैटरिस। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि मिनरल हमारा बाईएक्सियल, इसका मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है कि द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द बाईएक्सियल मिनरल कंटेन टू ऑप्टिक एक्सिस एंड एक्स एंड जेड वाइब्रेशन डायरेक्शन। सिंस द प्रिंसिपल एक्शन, यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल एक्शन है उसके परपेंडिकुलर नहीं है तो ऑप्टिक एक्सिस, अगर उसके परपेंडिकुलर नहीं है इसका मतलब उसमें लाइट जाके बाइफर्केट हो सकती है और वो कुछ ना कुछ कलर दिखा सकता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो ये हमारे इसके लिए ये ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन होगा। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट का क्या मतलब है वो भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। थर्ड स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि द मिनरल इज बाईएक्सियल विद एन ऑप्टिक ओरिएंटेशन कंटेनिंग द इसमें क्या है कि पहले वाले में कि वाई वाइब्रेशन में हो भी सकता है परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकता है, इसमें यहाँ क्या कहा गया कि वाई वाइब्रेशन डायरेक्शन ही ओनली कंटेन करता है और कोई डायरेक्शन नहीं ना, तो अगर ऐसा है तो क्या हो सकता है सीन। यहाँ पे देखिए कि मिनरल सेक्शन हैज वाई वाइब्रेशन डायरेक्शन ओनली, दैट इज ओनली वाई वाइब्रेशन डायरेक्शन लाइज ऑन द माइक्रोस्कोप स्टेज। द प्रिंसिपल सेक्शन कंटेनिंग, जैसे हमने पहले बताया था कि उसमें टू ऑप्टिकल एक्सिस होती है एक्स एंड जेड वाइब्रेशन डायरेक्शन इज वर्टिकल हेयर, यहाँ पे खुद ही दे दिया गया कि वर्टिकल है यहाँ पे, इसमें से दोनों में से कोई भी एक आपके ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू हो सकती है। इन सच अ केस द मिनरल सेक्शन इज आइसोट्रोपिक, अगर ऐसा होता है तो उसमें कोई ना कोई एक पोर्शन में वो मिनरल आपका आइसोट्रोपिक हो सकता है। इसमें सी इज अ करेक्ट जस्टिफिकेशन ओनली अंडर स्पेसिफिक, इसके मतलब ये क्या कहने का मतलब है, ये आपका बी का एक स्पेशल केस है जिसमें वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है। ये सी कंडीशन आपका कुछ स्पेशल कंडीशन में ही वो प्रूव होगा। थर्ड क्या कह रहा है कि द मिनरल इज यूनिएक्सियल विद
एन ओरिएंटेशन परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिकल एक्सिस, जो ओरिएंटेशन है वो परपेंडिकुलर टू द आपका ऑप्टिकल एक्सिस है, तो इसका क्या मतलब है वो समझिए कि फॉर अ यूनि एक्सियल मिरर द सेक्शन कट परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिक एक्सिस इज एन आइसोट्रॉपिक सेक्शन। आपको पता है कि जब आप सी एक्सिस पर काटते हो उसके, तो वो सेक्शन आपका आइसोट्रॉपिक सेक्शन बन जाता है, और आपको पता है आइसोट्रॉपिक सेक्शन में मिनरल आपको पूरा का पूरा डार्क दिखाई देगा अगर ऐसा होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हमारा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ बी होगा कि उसी में एक स्पेशल कंडीशन बताई जा रही थी जो कि फुलफिल नहीं कर रही थी। और ये सारे के सारे कंडीशंस जब आप थोड़ा सा डिटेल में उसको पढ़ेंगे तो आप आसानी से लगा सकते हैं, इसमें कोई ट्रिक्स एंड ट्रिप्स नहीं ना कि जो मैं आपको बता दूँ, उसको थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा मेटामॉर्फिक का है, इसमें दिखाया गया कि यहाँ पर दो मेटामॉर्फिज्म हुआ है M1 और M2, और इसमें जो उससे रिलेटेड अटेंडीज है जो सिस्टोसिटी बना रहा है S1 और S2 है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफॉर्मेशन है D1 और D2। तो चलिए एक एक करके इसका भी हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। पहले का मतलब है कि M1 M2 इवेंट्स रिफर टू, ये क्या कर रहा है, M1 जो आपका ये रिफर कर रहा है कि ये ओरिजिनल मेटामॉर्फिज्म है, और M2 क्या है, कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म है। तो रीजनल कब होगा, कॉन्टेक्ट क्या होगा, ये देखते हैं। अब देखिए रीजनल के लिए क्या होना चाहिए, M1 रिफर टू द रीजनल मेटामॉर्फिज्म एज ड्यूरिंग M1, यहाँ पे हमारा टू फेजेस है, टू फेज हो रहा है, इसका मतलब वो रीजनल हो गया है, पे दो फेज है इसलिए रीजनल मेटामॉर्फिज्म हो सकता है, और जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया है तो ये आपका रीजनल मेटामॉर्फिज्म है। अब देखिए अब भी दूसरा क्या है कि M2 इज एन इवेंट ऑफ कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म एज, अब ये देखिए यहाँ पे M2 की बात कर रहे हैं कि ये M2 जो आपका है वो कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म है। वो कैसे पता चला कि देखिए यहाँ पे कोई भी आपको उसका टेक्टोनिक इफेक्ट नहीं दिख रहा है, सिर्फ ना कोई टेक्टोनिक फैब्रिक है, नथिंग कुछ नहीं, बस सिर्फ मेटामॉर्फिज्म दिखा दिया गया कि यहाँ से यहाँ तक मेटामॉर्फिज्म हुआ है, उसमें वो जो फीचर्स होते हैं रॉक में कोई बदलाव नहीं दिखाया गया है, इसका यहाँ पे फैब्रिक कुछ है और मगर मेटामॉर्फिज्म हुआ है, तो ये कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे ये सही होता है। दूसरा क्या है, एस वन सिस्टोसिटी डेवलप एज अ क्रेनुलेशन क्लीवेज। देखिए क्रेनुलेशन क्लीवेज मतलब कि एक आपके कुछ वहाँ पे क्लीवेज था, वहाँ पे कुछ सिस्टोसिटी थी, फिर उसको कन्वर्ट होकर उसमें मेटामॉर्फिज्म होकर फिर दूसरी बनी, तो प्राइमरी के बाद सेकेंडरी होता है, पर जो कि S1 खुद ही प्राइमरी है तो वो सेकेंडरी नहीं शो कर सकता है। तो जैसे हमने कहा कि S1 को वो क्रेनुलेट करके फोल्डेड करके S2 बना सकता है, बट S1 नहीं बना सकता, S1 खुद ही डेवलप हुआ है प्राइमरी मेटामॉर्फिज्म से, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अब हम मूव करते हैं थर्ड स्टेटमेंट के, गार्नेट ग्रू सिंटेक्टोनिक, मतलब साथ ही साथ D1 के साथ ही साथ ग्रू हुआ। आप गार्नेट देख सकते हैं कि गार्नेट का जो टाइम पीरियड है वो यहाँ से यहाँ तक कि जो कि सिमिलर टू D1 S1 का है, इसका मतलब दोनों साथ ही में हुए हैं, तो ये सिंटेक्टोनिक हो सकते हैं, ये स्टेटमेंट आपका सही है। अब हम देखते हैं जो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन है, एंडोलोसाइट ग्रू ड्यूरिंग, यहाँ पर लिखा है ड्यूरिंग द वेनिंग फेज ऑफ D2, ड्यूरिंग मतलब जब ये D2 ख़त्म हो रहा, बट ऐसा नहीं ना, ये आपका जो एंडोलोसाइट है ये आपका M2 से रिलेटेड है ना कि D2 से, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। और यहाँ तो हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन आते हैं, A और C, ये आपका आंसर हो गया। अब हमारा सेकंड लास्ट ऑप्शन है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कि इसमें स्टेटमेंट कौन कौन सा सही है, ग्रेविटी डैम कब होता है, आर्क डैम, बटर्स डैम, आर्क डैम क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर A और C है। वो कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सप्लेनेशन से। यहाँ पे देखिए कि ग्रेविटी डैम क्या होता है, ग्रेविटी डैम मेड अप ऑफ कंक्रीट एंड बिल्ड ऑन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, द डैम एक्सिस में भी स्ट्रेट और स्लाइटली कर्व, जो उसमें ग्रेविटी का जो डैम एक्सिस होता है वो थोड़ा सा स्लाइटली कर्व होता है, स्ट्रेट तो बहुत कम होता है, स्लाइटली कर्व ही होता है। तो आपका ऑप्शन ए सही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं रिजिड स्ट्रक्चर, स्ट्रेट और स्लाइटली कर्व। आर्क डैम जो होता है वो आपका आर्क डैम यूटिलाइज द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्क टू डिस्प्लेस, इसका जो लोड होता है टू डिस्प्लेस ऑन द अपार्टमेंट दैट इज टू बिल्ट ऑन, यहाँ पे आप देखें आर्क डैम का कॉमन बिल्ट ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ऐसा नहीं होता कि आपका अपार्टमेंट थोड़ा सा अच्छा होता है उसका। उसके बाद हम बात करते हैं बटर्स डैम की बात करते हैं, ये रिइंफोर्स डैम है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिया गया है रिइंफोर्स कंक्रीट है, स्लैब है, दैट स्लोप अपस्ट्रीम, जो उसका स्लोप होता है वो अपस्ट्रीम की डायरेक्शन में होता है। अगर आप इसका फिगर देखेंगे बटर्स डैम का, तो ये ऑप्शन भी आपका सही है आपका। उसका लास्ट ऑप्शन है एम्बैकमेंट डैम, देखिए एम्बैकमेंट डैम यहाँ पे जो आपको अर्थ डैम दिया गया है ये एम्बैकमेंट डैम का पार्ट है, इसमें दो डैम होते हैं हमारे, अर्थ फिल्ड डैम होते हैं और रॉक फिल्ड डैम होते हैं, उसको हम एम्बैकमेंट डैम की कैटेगरी में डालते हैं। और ये जो हमारा सिल्ट है, क्ले है और जो अर्थी मटेरियल
लेयर होता है ये उससे फॉर्म होता है। द अर्थ डैम हैव अ कंक्रीट वॉल, कंक्रीट वॉल नहीं होता है आपका कर्व विद अर्थ, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। तो हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है ए और सी वाले, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और इस तरह के ग्रेविटी डैम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ और भी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं सीरीज बनाऊंगा उसके लिए कि हर एक सब्जेक्ट वाइज पे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पेयर, कि कौन कौन, ये आपका बहुत ही आसान है, पैलेंटोलॉजी से रिलेटेड है कि कब फ्लोरा आया, कब किस किस एज में फौना आया है। ये थोड़ा बहुत स्ट्रेटिग्राफी है, थोड़ा बहुत आपका पैलेंटोलॉजी है। तो हम एक एक चीज़ देख सकते हैं कि फ्लावर्स कब आए थे। फ्लावर्स प्लांट्स हमारा क्रिटेशियस पीरियड में आया था जो कि मेसोजोइक एरा में है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। आपको पता है कि एम्फीबियंस जो थे वो डिवेनियन पीरियड में ज़्यादातर आए थे जो कि आपका पैलियोजोइक है, तो ये भी ऑप्शन सही है। उसके बाद में जो ट्रायलोबाइट्स थे वो उनका एक्मे कब हुआ था, कि अर्ली पैलियोजोइक में हुआ था, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका गलत है। उसके बाद आप सेनोजोइक की बात करें जो डोमिनेंस ऑफ द मैमल्स है, तो वो सही आंसर है आपका। और उसके बाद इसका मतलब हमारा बी और डी जो है आपका ऑप्शन वो सही ऑप्शन है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक किए, अपने दोस्तों से शेयर किए। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू। वेलकम टू कॉन्फिडेंट लर्निंग, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। हम लोगों ने अभी तक जेम्स के, आपने देखा होगा कि हम लोगों ने एमसीक्यू भी कर लिए और एमएसक्यू भी कर लिए। आज बारी है नेट की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेट में हम जानते हैं कि हमारे पास 20 क्वेश्चंस होते हैं, फर्स्ट 10 क्वेश्चन एक एक नंबर के होते हैं और उसके बाद जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो दो नंबर के होते हैं, तो ये सॉरी 30 नंबर का क्वेश्चन होता है। और मेरे पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने जैसे डिस्कस कर चुके हैं एमसीक्यू और एमएसक्यू किस तरीके से डील कर सकते हैं, किस तरीके आ सकता है। बट आपके ये जो 20 क्वेश्चंस हैं नेट के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो इसमें अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं आप, तो आप पूरा का पूरा 30 नंबर गेन कर सकते हैं। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 41 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या कहता है कि द वेट परसेंटेज करेक्टेड टू टू डेसिमल प्लेसेस ऑफ कॉपर इन चाल्कोपाइराइट CuFeS2 एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर पाइराइट ये दिया गया है। तो इसे वेट परसेंटेज कॉपर का क्या होगा, ये बहुत सिंपल सा होता है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना होता। आपको कॉपर की वैल्यू दी गई है 63.55, Fe की वैल्यू दी गई है 55.85, उसके बाद आपको दिया गया है सल्फ़र, ये आपका है 32.05। ये वेट परसेंट मतलब मॉलिक्यूलर, कितने उसमें मॉलिक्यूल्स हैं वो निकालना है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला जो लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, वेट परसेंटेज ऑफ कॉपर इन चाल्को पाइराइट FeS2 इज इक्वल टू, ये आपका जो आपका एटॉमिक वेट दिया गया है, एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर इंटू मोल्स, ये जितने भी मोल्स यहाँ पे मौजूद हो, मोल्स या फिर एटॉमिक नंबर, डिवाइडेड बाई आपका वेट परसेंटेज ऑफ जो भी आपका वेट होगा, वेट ऑफ CuFeS2। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे एटॉमिक वेट तो आपका यहाँ पे आपको यह देख दिया गया 63.55 इंटू यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं कॉपर में, ये 1 है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये पूरा का पूरा आपका क्या होगा, Cu इसके इसकी सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब 63.55 इंटू 1 प्लस ये Fe आपका 55.85 और इसके मॉलिक्यूल कितने, 1 है, प्लस उसके बाद आपका सल्फर का है 32.07 इंटू 2 है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 63.55, उसके बाद ये आपको सॉल्व करने, मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ, ये आता है 183.54 इंटू 100, क्योंकि हमको वेट परसेंटेज निकालना है। और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका आता है 0.3462 इंटू 100, और इसको फिर आप करते हैं तो ये आ गया 34.62% में आकर ये आपकी वैल्यूज़ आ जाती है। तो यहाँ पे जब आंसर आप लिखेंगे वो लिखेंगे 34.62। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अगर नेक्स्ट स्लाइड में मैंने दिखाया है कि अगर आपको इस तरह क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करेंगे। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया है KLSI3O8 का एग्जाम्पल लिया है, इसमें हमने 5 कॉलम बनाए हैं, यहाँ पे हमने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, उनके नंबर ऑफ एटम्स जो आए हुए हैं फॉर्मूले में वो लिखे हैं, जैसे पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन कितनी कितनी बार आया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पोटेशियम, एल्यूमिनियम एक एक बार आया है, सिलिकॉन 3 बार आया है और ऑक्सीजन का क्वांटिटी यहाँ पे 8 है। फिर उसके बाद एटॉमिक वेट का हम लिखते हैं, अगर आपको एटॉमिक वेट नहीं मालूम है तो आप पीरियोडिक टेबल को कंसल्ट कर सकते हैं एटॉमिक वेट लिखने की। उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉलम 2 को कॉलम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको कॉन्ट्रीब्यूशन पता चल जाता है हर एक मॉलिक्यूल का कितना है। उसके बाद आपको वेट परसेंटेज जो निकालना है वो क्या करते हैं, इस वैल्यूज़ को इस वैल्यू से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, तो आपको उस सारे के
सारे की पर्टिकुलर वेट परसेंटेज निकल आएगा। तो इस तरह मैंने थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश की ताकि आपको अगर इन फ्यूचर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि द जनरल फार्मूला ऑफ एन एम्फीबोल मिनरल इज दिस मच, वेर ए बी सी एन टी आर कैटायन साइट विद डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर एज स्टेटेड बिलो। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आपको ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है, सी और टी की वैल्यू दी गई है। यहाँ पे हमको एल्युमिनियम ऑक्टाहेड्रा कितना शेयर कर सकता है उसकी वैल्यू हमें इस फॉर्मूले में बतानी है। आपको अच्छे से मालूम है कि जो एल्युमिनियम होता है वो 4 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शेयर करता है। इसका मतलब ये टेट्राहेड्रॉन में भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। तो यहाँ पे ये सी में भी जा सकता है और टी में भी जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो 6 वैल्यू लेता है तो वो सी में हो सकता है, अगर वो 4 वैल्यू लेता है तो वो टी में हो सकता है। इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा ये जो वैल्यूज़ है या तो वो सी में आएगा या टी में आएगा, या तो सी 5 में आएगा या टी 8 में आएगा। और जैसे जैसे आपको मालूम है कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम जो होते हैं वो 8 साइट शेयर करते हैं, ये आप दाना की बुक में देखेंगे तो उसमें दिया गया है कि ये 8 साइट शेयर करते हैं। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आप देख लीजिए, अब ये जब 8 साइट शेयर करेगा तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिलिकॉन ऑलरेडी 6.2 साइट ले चुका है, तो टोटल उसके पास 8 साइट थी। तो अब यहाँ पे अगर सिलिकॉन ने 6.28 साइट ले ली है और टोटल 8 साइट होती है तो एल्युमिनियम के लिए क्या साइट बचती है इस लोकेशन पे, तो 8 - 6.2 बचती है। इसका मतलब 1.8 साइट एल्युमिनियम के लिए बचती है। अब यहाँ पे ये एल्युमिनियम की जो साइट हुई यहाँ पे, ये टेट्राहेड्रा साइट हो गई यहाँ पे। अभी हमको अब आपको पता है कि जो टोटल साइट होगी, टोटल साइट ऑफ एल्युमिनियम जो होगी वो टेट्राहेड्रा साइट प्लस ऑक्टाहेड्रा साइट होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे एल्युमिनियम की टोटल साइट कितनी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 है, तो 3 इज इक्वल टू टेट्राहेड्रा साइट, मतलब हमारी 1.8 निकाल चुके हैं और ऑक्टा निकालना है हमको। तो इसका मतलब ऑक्टा की जो पोजीशन होगी वो होगी 3 - 1.8 इज इक्वल टू 1.2। तो आपका आंसर क्या होगा, 1.2 होगा। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें आपको कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए जो कि अगर आप दाना की बुक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा। ये कोई बहुत टफ सा क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा आपको प्ले विद द वर्ड्स हैं यहाँ पे उससे करना है। चलिए तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्ट्रक्चर जियोलॉजी पे, जहाँ पे हमको एस की वैल्यू निकालनी है। आपको सारे नोटेशन पता है कि नेट स्लिप दिया गया है, स्ट्राइक स्लिप दिया गया है और डिप स्लिप दिया गया है यहाँ पे। तो हमको यहाँ पे आपको ये 100 वैल्यूज दी गई, 930 दी गई है, हमें ये एस की वैल्यू निकालनी है। तो एस की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप देखिए बहुत सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का हम फॉर्मूला लगाएंगे। ये 90 डिग्री दिया गया, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, आपको पता है हाइपोटेन्यूज होता है, और जो एंगल हम बात कर रहे हैं उसके सामने हमेशा लंब होता है, तो लंब मतलब परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया डी, तो हमें डी की वैल्यू नहीं निकालनी, एस की वैल्यू निकालनी। तो एस हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। तो बेस का फॉर्मूला हम कॉस 30 का लगाएंगे। कॉस 30 इज इक्वल टू आपका आधार बटे कर्ण, मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा एस है, हाइपोटेन्यूज हमारा 100 हो गया। तो एस इज इक्वल टू 100 इंटू कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू अगर मैंने पुराने लेक्चर में देखा तो होगा, तो मैंने बताया था कि कॉस 30 किस तरीके से निकालते हैं। तो कॉस 30 की वैल्यू होगी हमारी √3/2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हो गया 50 × √3। तो चाहे आप ऐसे ही लिख दी, नहीं आपको सेकंड प्लेस तक निकालना है, तो ये हो गया 1.732। इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 0 5 2 10 को 0 हासिल है, 15 16 6 हासिल है, 33 हासिल है, ये आपका 8 आ गया, ये 1 2 3, ये 1 2 3, ये आ गया आपका, आपको 2 डिसिमल प्लेसेस से निकालना था, तो इसका आंसर हो गया 86.60। ये बहुत सिंपल था। इसमें आप डी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, अगर आपको डी की वैल्यू निकालना है तो डी की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला डी 100 इज इक्वल टू साइन 30 लगा के आप डी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। इवन अगर आप ये फॉर्मूला ना लगाएं तो आपको ये पता चल गया है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे मैं हमेशा आपको बोलते चला हूं कि आपने अभी तक जितनी पढ़ाई की है वो सारी आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपने जो पढ़ चुके हैं वो आप यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते। अपने बॉक्स को हमेशा ओपन रखिए, आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचिए और आगे बढ़ते रहिए। तो जैसे कि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से स्ट्रक्चर जियोलॉजी पर रिलेटेड है, जिसमें हमको टू थिकनेस निकालनी है। टू थिकनेस में अभी यहाँ पे आपको ये टी दिया गया है, यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके कुछ इस तरीके से रख लिया है ताकि ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाए और हमको सॉल्व करने में आसानी रहे, और ये हमारा एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि जो टू थिकनेस होती है वो हॉरिजॉन्टल थिकनेस इंटू साइन एंगल ऑफ डिप के बराबर होती है। तो हमको यहाँ पे अगर हम निकालना हो तो बहुत आसान से हम साइन 30 की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन 30 जैसे कि हम बताते चले आते, साइन 30 आपका टी अपॉन 20 हो जाएगा, तो टी इज इक्वल
टू 20 इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपको पता ही है, 1/2 होती है, तो 1/2 हो गया, तो ये हमारा 10 वैल्यूज आ गई, 10 इन मीटर में आ गया। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं ना, थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाते हैं तो आप आसानी से सारे सवाल कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ रिलेटेड टू मिनरोलॉजी, ये मिनरोलॉजी से रिलेटेड है, इसमें आपको मिलर इंडिसेस दिए गए हैं और वेस्ट की बात कर रहे हैं, वेस्ट पैरामीटर की बात करें, वेस्ट पैरामीटर क्या होता है, ये इनवर्ट ऑफ मिलर इंडिसेस होता है। इसका क्या मतलब होता है, अगर हमारा मिलर इंडिसेस यहाँ पे 3-6 है तो हमारा वेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, ये 1/3 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि हम नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका 6 आएगा, तो ये हो गया आपका 6/3, ये हो गया 6/2 और ये हो गया 6/6, तो ये आपको वैल्यू दो गया 2, 3 और 1, ये आपको वैल्यू आ गया। अब इसमें क्या करना है कि अगर वेस्ट पैरामीटर के इक्विवेलेंट है तो यहाँ पे ये जो एक्स ए, तो हम इसको लिख सकते हैं 2:3:1, इसका मतलब हमारा जो एक्स ए इज इक्विवेलेंट टू 2 है और एक्स बी वाई बी इज इक्विवेलेंट टू 3 है और जेड सी इज इक्विवेलेंट टू 1 है, तो यहाँ पे पैरामीटर ऑफ सेम फेसेस, इसमें आप एक्स की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, एक्स आपका क्या हो गया, यहाँ पे एक्स आपका 2 हो गया। बहुत सिंपल था, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं था, बस आप अपना थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिलर ब्रेविस इंडिसेस के बारे में है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये 4 वैल्यूज दी गई है, 4 नोटेशन दिया गया है, ये 4 नोटेशन जो हमारा है ये क्या कहते हैं हेक्सागोनल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है, और इसकी खासियत क्या होती है कि जो फर्स्ट 3 वैल्यूज़ होती हैं उनका सम हमेशा 0 होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 + 4 bar + 1 + h इज इक्वल टू हमेशा 0 होगा। अब 4 बार का मतलब होता है माइनस, बार का मतलब 1, बार का मतलब होता है माइनस 1, तो 4 बार का मतलब हुआ -4 + 1 + h इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपका -3 + h इज इक्वल टू 0, तो h की वैल्यू आपके आ गई -3 + 3। इसी तरीके से है, ये हेक्सागोनल नोटेशन है जिसमें फर्स्ट 3 वैल्यूज जो होती है वो इक्वल टू सम, उनका जो सम होता है वो इक्वल टू 0 होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा ओशानिक बेसिन जो कि आपको आइसोस्टेसिस या सी फ्लोर स्प्रेडिंग से रिलेटेड है वो है, प्लस फिजिक्स इसमें आपको लगानी है, कोई टफ का नहीं है। इसमें आप ये समझिए कि ये जो आपको दिया गया है कि जब 4 मिलियन ओल्ड होगा तो वो कहाँ पे होगा, जब वो इसमें सो आइडियली एज 0 मिलियन ईयर ओल्ड, मिलियन ईयर ओल्ड ओशानिक रिज शुड बी, यहाँ पे 0 वो होगा, 0 किलोमीटर पे होगा, और 40 मिलियन ईयर के बाद वो 40 किलोमीटर पे हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा टी जो टाइमिंग जो है 40 मिलियन ईयर्स है और जो डिस्टेंस है वो हमारे 40 किलोमीटर है, तो आपको जो वेलोसिटी निकालना हो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके निकाल सकते हैं, 40 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 40 मिलियन ईयर, तो 40 मिलियन इसको सिंपली आप सॉल्व कर लिए, मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाह रहा हूँ, ये थोड़े थोड़े मैथमेटिकली अगर आप कहें तो मैं सॉल्व कर ही देता हूँ, तो 40 इंटू ये आपका किलोमीटर को मीटर में बदल के सेंटीमीटर में कर दिए, इंटू 10 इंटू 2 ये आपका सेंटीमीटर हो गया, और मिलियन ईयर के लिए आपको पता है क्या करना है, इंटू 10^6 करनी रहती है इसको आपको, तो ये आपका ईयर में आ गया 4, तो ये आपका 10 हो गया, तो ये आपका 10^6 डिवाइडेड बाय 10^6, तो 1 सेंटीमीटर पर ईयर आ गया। यहाँ पे आपको क्या पूछा है, देखिए यहाँ पे आपको एवरेज वेलोसिटी पूछा है और कुछ नहीं पूछा है, तो एक तरफ जो मूव कर रहा है तो एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है, अगर रिलेटिव मूवमेंट की बात करेगा कि ये जो दो ब्लॉक हैं अगर दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव कर रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी आपकी प्लस में 1 सेंटीमीटर पर ईयर आएगी और इसकी वेलोसिटी भी 1 सेंटीमीटर पर ईयर आएगी, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वेक्टर की बात करेंगे तो वेक्टर के हिसाब से अगर ये a है आपका तो ये माइनस a होगा, तो जब एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो a माइनस ऑफ माइनस a हो जाएगा, तो a प्लस a हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू 2a हो जाएगी अगर रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें। जैसा कि ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है जिसमें से ये पूछा गया था कि द एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ बिटवीन प्लेट a एंड b, ये आपसे ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे आपको बता दें। अगर सिर्फ आपको एवरेज वेलोसिटी पूछा गया तो एक प्लेट मूव कर रही है सिर्फ उसकी वेलोसिटी बता दिए, अगर रिलेटिव वेलोसिटी बताना है तो दोनों प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो उनका आपको सम करके निकालना है विद वेक्टर समेशन, जो वेक्टर समेशन होता उससे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा यहाँ पे एक्वीफर की बात कर रहे हैं, ये हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें आपको जैसा कि पता है कि जो डार्सी लॉ होता है वो क्यू इज इक्वल टू के ए एच वन माइनस एच टू, इसको डेल्टा एच अपॉन एल बी लिखते हैं, ये आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है। इसमें यहाँ पे आपका क्यू क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक रेट होता है जो फ्लो होता है, के हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होती है मीटर पर सेकेंड में, ए क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ये प्रिज्मेटर हाइट की जो ऑलरेडी मैंने डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एल या एल आपको बता दिया, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होती है। अब आपको दिया क्या गया, ये देखिए आपको सब कुछ दे दिया गया,
आपको कुछ नहीं करना है, यह आपका एरिया दिया गया जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। हमको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ये निकालना है, हमको एरिया हमको दिया गया है, फ्लो भी दिया गया है और डेल्टा एच भी दिया गया है। तो अगर इस फॉर्मूले में हम रखते हैं तो हमको के निकालना है, तो के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू ए डेल्टा एच अपॉन एल। तो क्यू की वैल्यू हमारी क्या होगी, आपको पता है क्यू हमारा होगा 10 m³/s और डिवाइडेड बाई ये आपका 1000 × 0.01। इसको आप सॉल्व कर लिए आराम से, ये आपकी वैल्यूज आपको दे देगा। मैंने कुछ खास नहीं किया है, अब मैंने सिर्फ सिंपल सा इसमें फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व किया। जैसे मैंने बोला कि न्यूमेरिकल बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस्ड आता है, तो प्लीज़ थोड़ी सी अपने आप की हेल्प करिए, थोड़े थोड़े फॉर्मूले लगा लिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लिए, आपका इसमें 30 में से 30 नंबर कहीं नहीं गया, 30 out of 30 आप आराम से गेन कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिनरोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें फेस डायग्राम है। जैसे मैंने कहा कि सारे क्वेश्चन वो न्यूमेरिकल फॉर्मूले बेस्ड है, यहाँ पे भी आपको सिर्फ फेस का फॉर्मूला लगाना है, P+F = C+2। यहाँ पे आप देखिए कि अगर आपको क्या निकालना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है, यहाँ पे कंपोनेंट दिया गया है और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा अगर यहाँ पे सिस्टम एग्जिट करता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं अकॉर्डिंग द मिनरोलॉजी फेज रूल द नंबर ऑफ मिनरल दैट कैन को एग्जिट एट इक्विलिब्रियम इन आर 8 components। यहाँ पे कंपोनेंट आपको 8 दिया गया, तो सी की वैल्यू आपको 8 हो गई। विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको F = 2 दे दिए गए, तो फेज निकालना है तो P = क्या हो जाएगा आपका 8+2 − F = 2, तो आपका पी भी आपका 8 हो जाएगा। यहाँ पे आप चुपचाप 8 लिख सकते हैं, कोई वो नहीं ना, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हमारा 50 नंबर का क्या है, ये सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड है, ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। इसका पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि जो आपकी बल्क डेंसिटी होती है उसको आप पार्टिकल डेंसिटी, जिसको हम सॉलिड डेंसिटी भी कहते हैं, उससे डिवाइड करते हैं और -1 करके इनको 100 कर देते हैं, तो हमारा फॉर्मूला आराम से हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 − 2.3 / 2.7 × 100। तो आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन के बाद जो वैल्यूज आती है वही आपकी पोरोसिटी होती है, तो इसमें भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको भी बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आपको आता है 0.185 × 100। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि इसको अगर आप माइनस करते हैं तो ये आता है 1.48148 × 100। अगर इसको हम परसेंटेज में हटाते हैं तो 14.81। हमको कितने प्लेस तक निकालना है, ये देखिए 2 प्लेस तक निकालना है तो 2 प्लेस तक हो गई, ये हमारी हो गई, ये हमारा पोरोसिटी परसेंटेज में निकला है। तो इसी तरीके के बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 51, ये स्ट्रक्चर जियोलॉजी से रिलेटेड है। ये आप जो डिपोजिशन सीक्वेंस होते हैं या उसमें कहें कि क्रॉस कटिंग रिलेशनशिप जो होती है उससे रिलेटेड है। इसमें आपको क्या बोला गया है कि इन एन अनडिफॉर्म एंड नॉर्मल स्ट्रेटिग्राफिक सेक्शन, मतलब इसमें कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं हुई है, जो भी डिपोजिशन हुआ है वो हमारे जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो किया गया है, इसमें कोई भी टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं ना कि पहली लेयर पहले आई है फिर उसके बाद दूसरी लेयर आई फिर इंट्रूजन हुआ, इसी तरीके से ये सीक्वेंस है। तो उसमें क्या कह रहे हैं कि एक डोलेराइट डाइक वॉज इन प्लेस बिफोर डिपोजिशन ऑफ सैंडस्टोन बी, ये हमारा जो सैंडस्टोन बी है उससे पहले हमारा डोलेराइट डाइक का ये जो कि ब्लैक कलर से है, उसके हमें क्या निकालना था, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एज ऑफ डिपोजिशन, जो सैंडस्टोन ए और सैंडस्टोन बी है उनकी जो मैक्सिमम एज डिफरेंस होगा वो क्या होगा वो निकालना पड़ेगा हमको, वो देखना है। आपको ये बता दो कि VA1 मतलब वॉल्कनिक ऐश बेड 1 जो है उसकी एज 132 million years है। उसके बाद सीक्वेंस आप समझ लीजिए, सीक्वेंस क्या है, उसके बाद क्या डिपॉजिट हुआ है कि सैंडस्टोन SSTA डिपॉजिट हुआ है, सैंडस्टोन डिपॉजिट हुआ है जिसकी एज हमको निकालनी है। उसके बाद आपका डोलेराइट डाइक आई है जिसकी एज 75 million years है। आप देख सकते हैं कि पहले डिपोजिशन आपका वॉल्कनिक ऐश हुआ है, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर सैंडस्टोन हुआ है, फिर सैंडस्टोन के बाद आपकी ये डोलेराइट डाइक आई है, क्योंकि उसके बाद आपका सैंडस्टोन बी है, क्योंकि डोलेराइट डाइक उसके ऊपर जा नहीं रही है। अगर ये ऊपर चली जाती इसका मतलब जो डोलेराइट डाइक है वो सैंडस्टोन बी के डिपोजिशन के बाद आई है, तो इसका मतलब ये जो बाउंड्री है इसकी, ये बाउंड्री ऐसी है कि जो आपका वॉल्कनिक ऐश डिपॉजिट गया है, तो फिर उसके बाद सैंडस्टोन ए डिपॉजिट हुआ है, फिर उसके बाद डोलेराइट डाइक इंट्रोड्यूट की है, जब डोलेराइट इंट्रूजन खत्म हो गया तो उसके बाद सैंडस्टोन बी डिपॉजिट हुआ है। तो इसको अगर हम कैप करना चाहें तो ये हमारा जो ये सैंडस्टोन जो वॉल्कनिक ऐश 1 है जिसकी एज 132 है और जो हमारा डोलेराइट डाइक डी है उसके बीच में हमारा सैंडस्टोन ए की एज होगी, तो इसका मतलब कितना होगा, 132 − 175 = आपको पता चल गया ये कितना होगा आपका 37 million years।
आपका ये एज इसकी आएगी ये, तो इसका आंसर आपका 57 हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कोल सीम से रिलेटेड है। इसमें कोल सीम क्या कह रहा है, अ कोल सीम ऑकर इन स्टेटिग्राफिक सीक्वेंस एज शोन इन द फिगर। इफ अगर वर्टिकल बोरहोल करते हैं तो वेयर आई विल हिट दिस, मतलब जब हम ड्रिल करते हैं तो ये कोल बेल्ट जो है वो हमको ड्रिलिंग में कहाँ पे आएगी वो निकालना, कि जो हिट होगी उसकी डेप्थ क्या होगी। अभी यहाँ पे पहले देख ली मैंने, यहाँ पे कुछ कॉन्टूर्स बनाए हैं। इस कॉन्टूर्स हमको क्या पता चलता है, ये हम एक एक करके देख लेते हैं, सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं। देखिए ये जो हमारा कॉन्टूर है, पहली बात तो समझ ली कि कॉन्टूर यहाँ पे आपका ये 400 है, 300 है, 200 है और 100 है। इसका मतलब कॉन्टूर अगर इंटरवल की बात करें और इस यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर जियोलॉजी का कॉन्सेप्ट लगाएं तो इससे हमें पता चलता है कि जो जो बेडिंग है वो डिप कर रही है, नॉर्थ की तरफ डिप कर रही है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टूर हमारा यहाँ पे कम हो रहा है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये आपकी जो डाइक है या आपकी जो कोल सीम है, कोल सीम का एलिवेशन देखिए यहाँ पे, तो कोल सीम का एलिवेशन जो हमारा पॉइंट बी पे जो कट कर रहा है तो वो एलिवेशन कितना है, यहाँ पे ये 40 का एलिवेशन है जो कि पॉइंट बी पे कट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो बी पॉइंट है वहाँ पे कोल सीम का एलिवेशन 400 है और इससे जो बी पॉइंट है वहाँ पे बी का एलिवेशन 500 है जो कि आप देख रहे हैं। तो डिफरेंस कितने का आया, यहाँ पे 100 का आया। तो आप ये समझ लीजिए कि जब आप ड्रिल करेंगे तो ड्रिलिंग में जो आपका टॉप एलिवेशन 500 है और कोल बेड का जो एलिवेशन है 400 है, तो 100 मीटर के बाद आप यहां पे आपको इंटरसेप्ट करेगा कोल बीम, तो ये आपका आंसर 100 मीटर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा स्ट्रक्चर जॉइंट से रिलेटेड है। इसमें फॉल्ट मूवमेंट हुआ है, यहाँ पे हमारी दो लेयर, तीन लेयर है, सी बी और ए। यहाँ पे अगर हम फिर से कॉन्टूर प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो कॉन्टूर प्लॉट किए हमने, एक ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया। 1 वाला आप देख रहे हैं कि ये 1 वाला जब जा रहा है तो ये आपका 500 को भी टच कर रहा है, उसके बाद आपका 400 को भी टच कर रहा है। यहाँ पे देखिए कि 500 स्ट्राइक लाइन है, ये आप स्ट्राइक लाइन प्लॉट करते हैं तो ये स्ट्राइक लाइन 500 और 400 पे कट कर रही है। इसका मतलब इसका डिफरेंस कितना है, 100 मीटर का है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमको जो वर्टिकल थ्रो निकालना है तो वर्टिकल थ्रो कितना होगा, ये 100 का होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से आपने स्टार्ट किया चलना और आप यहाँ पे, यहाँ से आपसे 500 था और वहाँ पे जो आप कट कर रहे हैं तो 400 पे पहुँच गए। इसका मतलब डिफरेंस कितना आया, 100 का आया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमको इस तरीके से सॉल्व करना है, मतलब ये कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा मिनरोलॉजी का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया कि द रिटार्डेशन ऑफ अ यूनिएक्सियल नेगेटिव मिनरल्स थिकनेस, यहाँ पे थिकनेस टी दी गई है मिनरल की 0.03 मीटर और रिटार्डेशन आर दिया गया है, आर का मतलब है 5160 नैनोमीटर दिया गया है यहाँ पे। और क्या गया, इन इट्स प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ इंडिकेट्रिक्स इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन की वैल्यू दी गई है, एन ई की वैल्यू दी गई है 1.486। आपको जैसे कि पता है कि जो रिटार्डेशन का फॉर्मूला होता है, आप इसमें समझ लीजिए कि रिटार्डेशन जो डेल्टा से भी शो करते हैं, इसको डेल्टा से भी शो करते हैं, तो डेल्टा जो होता है ये थिकनेस होता है आपका, थिकनेस इनटू या तो आप बाय फ्रिंजेस बोलते हैं या तो फिर आप यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं यहाँ पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये आपका थिकनेस हो गया, फिर थिकनेस के बाद ये हो गया आपका, यहाँ पे हमारा आता है ये ns माइनस nf। ns और nf का मतलब क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लो मूविंग रेस और फास्ट मूविंग रेस। अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये यूनिएक्सियल नेगेटिव है, यहाँ पे जो ये ई रेस की बात कर रहे हैं, ये ई रेस है और ये ओ रेस है। ई रेस का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस और ओ रेस का मतलब होता है ऑर्डिनरी रेज। अब आपको हम यहां पे बता दें कि यूनिएक्सियल नेगेटिव का मतलब होता है कि जो आपका फास्टेस्ट रेज होगी वो आपकी ई रेज होगी। तो यहां पे आपका ये, यहां पे आप ई रेज भी लिख सकते हैं, तो हमको ns की वैल्यू मतलब ओ एन ओ की वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे होगा, आपको डेल्टा की वैल्यू क्या दी गई है, आपको पता है 1.516 और आपकी इसकी 0.03, ये ns हमको निकालना है, nf हमको दिया गया है यहां पे 1.486। सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको आप अगर आप इक्वेट करते हैं तो आंसर आराम से आप निकाल सकते हैं। मैं आंसर नहीं निकाल रहा हूँ, इसका आंसर ns आपका आएगा 1.6580। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं आपको इसका पूरा सोल्यूशन PDF फॉर्म में भेज दूंगा। आगे बढ़ते हैं हमारे 55 क्वेश्चंस के लिए। ये हमारा क्या है कि ये स्फेरिकल बॉडी है, ओर बॉडी है जिसमें मेटल कंटेंट 77% दिया गया है और डेंसिटी दी गई, तो हमको स्फीयर बॉडी दी गई है जिसका डायमीटर 40 दिया, डायमीटर मतलब 2 आर आपको 40 mm दिया
गया है। अगर हम स्पेयर की बात करते हैं तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर इज इक्वल टू 4/3 πr³। तो यहाँ पे आपका 4/3 π का मतलब 22/7, जो भी आप रखना चाहिए रखिए, r का मतलब ये हो गया 20, तो 20 का क्यूब हो गया, ये आपका वॉल्यूम निकल आएगा यहाँ से, स्पेयर का जो बॉल होगा उसका वॉल्यूम निकल आएगा। इसकी डेंसिटी आपको दी गई है, डेंसिटी कितनी है आपको 3300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हो गया आपका। अब आपको जो मास निकालना है, जो कि मास ऑफ द ओर बॉडी, जो कि ऑलरेडी वो रिजर्व भी कहलाता है आपका, तो वो क्या होगा, मास आप सिंपल फॉर्मूला लगाइए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास हो गया आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हमने सिर्फ यहाँ पे 3300 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, ये आपका 1100 हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं पूरा, जब सॉल्व कर लेंगे तो ये आपको वैल्यू देगा 1106285 71.43 किलोग्राम। यहाँ पे जो आपको मेटल कंटेंट दिया गया इसका कोई मतलब नहीं ना, ये सिर्फ आपको डेविएट करने के लिए दिया गया। हाँ, अगर ये पूछा जाता है कि इस पूरे और बॉडी में कि मेटल कंटेंट कितना होगा, तो इस पूरे मास का हमको 7% निकालना पड़ता है और फिर उसका हम मेटल कंटेंट आपको आराम से बता देते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द डेटा शोन इन द टेबल द वेटेड मीन साइज। यहाँ पे देखिए मीन साइज की बात कर रहा है, यहाँ पे आप सेडिमेंट का वेट की बात नहीं कर रहा, मीन साइज की बात कर रहा है, इन माइक्रोमीटर करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस ऑफ द सेडिमेंट पॉपुलेशन इज। ये स्टैटिस्टिक्स का सवाल है, इसका जियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं ना, आपको यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज जियोलॉजी में डाल दी गई है और कुछ नहीं है। जिससे आपको पता है कि मीन कैसे निकालते हैं, स्टैटिस्टिक्स में मीन निकालना बहुत आसान होता है, आपको पता है कि आपको जो वैल्यूज दी गई है वो पूरे वैल्यूज का सम करके, मतलब उसको एक एक पर्टिकुलर वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका पूरा समेशन आएगा और जो फ्रीक्वेंसी होगी उससे डिवाइड करा जाता है। सिंपल फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ FIXI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI मतलब फ्रीक्वेंसी आपका यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वैल्यूज आपकी कैसे आएगी, ये आपको XI ग्रेन साइज दिया गया है और ड्राई डेंसिटी दिया गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आपकी वैल्यूज आ जाएगी, जो कि सिंपली मैंने यहाँ पे किया गया है। फिर समेशन ऑफ FI, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, आपको क्या निकालना है, मीन साइज का निकालना है। तो यहाँ पे ग्रेन साइज क्या है आप देख रहे थे, मीन साइज के लिए ये वैल्यूज हमने ली है यहाँ पे, तो ये वैल्यू आपके ड्राई डेंसिटी का आ गया 300। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। ये सिंपली स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन था, इसका जियोलॉजी से फिर मैं कहूँगा लेना देना ना। और पहले भी मैंने अपने वीडियोज में कहा था कि आप जो पढ़ चुके हैं वो सारे की सारी चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी, तो आप ये मत सोचिए कि आप जो पढ़ चुके वो यहाँ पे नहीं आएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 57, ये मिनरोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें लेवल रूल लगाएंगे। यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है कि कंसीडर द सिस्टमेटिक आइसोबैरिक TX फेस डायग्राम इन द बाइनरी फॉस्टेराइट फेलाइट केमिकल सिस्टम। इफ देयर इज इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मेल्ट L, द वेट परसेंटेज ऑफ ऑलिन क्रिस्टलाइन फॉर्म मेल्ट ऑफ कंपोजिशन A एट टेम्परेचर T2 इज। टेम्परेचर T2 पे हमें निकालना है मेल्ट में, जब ये A जब T पे आएगा इसका मतलब ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद तो इसका क्या परसेंटेज होगा वो हमें निकालना है। आप ये समझिए कि फॉर अ लिक्विड ऑफ कंपोजिशन A ओलिविन क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट। अब देखिए ये जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ओलिविन का क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होता जाएगा इस पॉइंट पे जाके, फिर वो क्या होगा कि ये यहाँ पे आके आपका जब T2 पे आएगा तो फिर यहाँ पे आपका T2 से डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द अप्लाइंग। अब जैसे ही ये T2 टेम्परेचर पे आएगा ओलिविन क्रिस्टलाइजेशन से स्टार्ट हो गया, उसके बाद वो नीचे गिर के अब T2 पे गया, जैसे ही वो T2 पे जाएगा तो उसका वहां पे हम परसेंटेज निकालने के लिए लेवर रूल का इस्तेमाल करेंगे। और यहां पे हमने ऑलरेडी सारा परसेंटेज निकाल दिया, एक्स की वैल्यू यहां पे 30 है, वाई की वैल्यू 60 है और जेड की वैल्यू यहां पे 70 है। अगर हम यहां पे इसका देखें, ये हमारा ये सॉलिड की वैल्यू होगी और ये जो पोर्शन होगा ये हमारा लिक्विड की वैल्यू होगी, तो यहां से यहां तक की वैल्यू अगर हम देखें तो ये कितनी होगी, 30 60, मतलब ये 30% होगी। और ये वाली वैल्यू देखें, ये वाली परसेंट देखें तो ये हमारी 10 होगी। तो ये लिक्विड का हमारा 10% आ गया, सॉलिड का हमारा 30% आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे लीवर के रूल का क्या, सॉलिड की वैल्यू निकालते हैं तो ये लीवर रूल से 30/30+10 × 100 हो गया ये आपका। तो ये कितना आ गया आपका 30/40 × 100। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 100 हो गया आपका। तो यहाँ से वैल्यूज़ अगर आप निकालना चाहें तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ का, आपका ये आपका हो गया 0.75 × 100, इसका मतलब ये आपका 75% आपकी ये वैल्यूज़ आ जाएगी। तो इस तरीके से लेवर रूल लगा के हम यहाँ पे फॉर्मूला निकालते हैं, यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं कि हमारा सॉलिड कितना परसेंटेज और लिक्विड कितना है, उसके हिसाब से हम कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं ना। ऐसे बहुत से और क्वेश्चंस हैं, मैं इसके लिए मिनरोलॉजी का अलग से क्लास लूँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि
फेस डायग्राम से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है, मिनोलॉजी क्वेश्चन है, दैट वी विल सॉल्व वन बाय वन, और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी जाएगी और मिनोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं। ये भी मिनोलॉजी क्वेश्चन है जिसमें हमको फेस डायग्राम निकालना है। सो जिसमें फेस डायग्राम से हमको या तो पी निकालना है, या तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी होती है, या कंपोनेंट निकालनी होती है। तो इसमें क्या निकालना है ये देखते हैं। कंसीडर है स्केमेटिक आइसोबेरिक टर्नरी फेस डायग्राम। देखिए यहाँ पे आइसोबेरिक किया गया, इसका मतलब पी जो प्रेशर आपका वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर ये चेंज नहीं होता, जैसे हमारा पी प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू होता है, तो इन दैट केस ये हो जाता है पी प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस वन, क्योंकि ये जो कंपोनेंट होता है ये टेम्परेचर और प्रेशर के लिए होता है। तो प्रेशर ऑलरेडी कॉन्स्टेंट हो गया है, तो ये जो टू की वैल्यू अब वन हो जाएगी यहाँ पर, ये समझ लिया आप। उसके बाद अब चलते हैं और क्या देगा, द डायग्राम विच इज कंटूर विद द आइसोप्लेथ ऑफ लिक्विड लिक्विडस टेम्परेचर इन डिग्री रिवील क्रिस्टलाइजेशन बिहेवियर ऑफ मेल्ट एल। एल के मेल्ट का बता रहा है यहाँ पे ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन ड्यूरिंग कूलिंग। व्हेन अ मेल्ट ऑफ कंपोजिशन ए लाइज एट अ टेम्परेचर ऑफ 1800 डिग्री। यहाँ पे अगर ये ए यहाँ पे आ जाता है, ये ए अगर 18 पे आ जाता है, तो वेरियंस और तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी ऑफ द मैग्नेटिक सिस्टम। आप ये समझिए कि जो सी का क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होता है, सी कहाँ से स्टार्ट, जैसे ही वो 1500 पे आएगा तो उसका क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर ए पे पहुंचेगा। जब आपका ए जो होगा 18 पे जाएगा, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो लिक्विड होगा, इसका मतलब वहाँ पे सिर्फ एक ही फेज आपको मिलेगा, लिक्विड का फेज मिलेगा, तो आपके पी की वैल्यू 1 होगी। अब आप समझ लीजिए, अब कंपोनेंट हमारा यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट आप समझ लीजिए, ये थ्री फेज कंपोनेंट आप देख सकते हैं। तो आराम से आपका सी आपका यहाँ पे 3 हो गया। तो अब हम वैल्यूज़ को पुट अप करते हैं, तो पी प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस 1, तो पी की वैल्यू आपकी 1 हो गई। डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ निकालने 3 प्लस 1, तो 1 कट गया, तो फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 3 आ गई। इस तरीके से बहुत ही सिंपल इसमें क्वेश्चन है, कोई बड़ी चीज़ नहीं ना। मैं फिर से कहता हूँ कि इसके लिए स्पेशल लेक्चर रखा जाएगा ताकि आपका कोई भी मिनोलॉजी का क्वेश्चन नहीं छूटे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मिनोलॉजी का ही है, मगर ये थोड़ा सा मेटामॉर्फिक में चला जाता है। तो इसमें एक्लोजाइट के बारे में बात की गई। अब एक्लोजाइट के बारे में क्या कहा गया ये समझते हैं हम। एंड एक्लोजाइट कंसिस्ट ऑफ गार्नेट। यहाँ पे एक्लोजाइट जो है गार्नेट है, जिस गार्नेट का परसेंटेज कितना है 60%। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ गार्नेट इन एक्लोजाइट, ये कितना है हमारा 60%। इसका मतलब ये कितना हो गया, 0.60 हो गया। अब इसी तरह प्रोपोर्शन ऑफ ऑम्फासाइट इन एक्लोजाइट, ये हमारा कितना है 40%। इसका मतलब ये हो गया 0.40। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, वेयर द मिनरल अबंडेंस इन मोल। यहाँ मोल परसेंटेज दिया गया, गार्नेट का मोल परसेंटेज 0.5 दिया गया है और ऑम्फासाइट का मोल परसेंटेज दिया 0.75। तो हमको यहाँ पे एक्स एम जी ऑफ इक्लोजाइट निकालना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। इक्लोजाइट में हमारा क्या है, गार्नेट है और ऑम्फासाइट है। गार्नेट कितना है 0.6 है, और इसका मोल कितना है 0.50 है, प्लस ऑम्फासाइट कितना है 0.4 है, और इसका मोल कितना है 0.75 है। जिसको अब आप सॉल्व कर लिए आराम से, ये आपका 3 हो गया, तो 2 जीरो लगा के अगर हम 6:30 हो गया, तो ये आके आपका 1 और 2, तो 2 के बाद हो गया प्लस, ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका ये भी आपका 0.3 आएगा, तो ये आपका हो गया 0.60। तो ये हो गया, अगर परसेंटेज में करना चाहते हैं तो 60% आ गया आपका। अगर ये परसेंटेज में लिख रहे हैं तो आप इसको 60 लिख दिए, नहीं तो आप अगर 0.6 लेना चाहते हो वो भी लिख दिए, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों आंसर आपके सही होंगे। ये हमारे आपको बहुत खुशी होगी जान के कि नेट के हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ये इसके लास्ट क्वेश्चन हैं, और हमारा 2020 जैम का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उसके लिए आपको मुबारकबाद, आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको बधाई होगी। तो चलिए इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे क्या क्या गया है, एक हसबर्गाइट कंटेन प्योर फॉस्फेराइट एंड प्योर इंसेक्टाइड इन मॉलिक्यूल रेशियो ऑफ 60:40। द मोल परसेंटेज ऑफ MgO इन द रॉक इज़, क्या होगा MgO का हमें परसेंटेज निकालना है। चलिए MgO का निकालने कोशिश करते हैं। अब देखिए फॉस्फेराइट में हमारा फॉर्मूला क्या है, Mg2SiO4। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो हम इसको MgO प्लस SiO3 लिख सकते हैं। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं या इसको 2MgOSi2 लिख सकते हैं, तो इसमें 2 मोल्स ऑफ MgO हो गया प्लस 1 मोल ऑफ SiO2 हो गया, इसको लिखना चाहें। अगर हम इसकी बात करें तो MgO प्लस SiO2 लिख दिए, तो 1 मोल ये हो गया और 1 मोल ये भी हो गया इंस्टेटाइट का। अब इसमें हमें क्या निकालना है, अब आप समझिए कि फॉस्टेराइट में MgO कितना है, MgO इन फॉस्टेराइट,
तो इसको कैसे निकालेंगे, आप समझ लिए कि इसमें आपका क्या है, ये 2 मोल है तो 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इंटू 100, जैसा कि आप करते चले आए। यहाँ पे परसेंटेज कितना दिया गया, 60 दिया गया है, तो ये 60 हो गया। तो ये आप सॉल्व करते हैं अगर, तो आपको क्या देगा ये 2 बाई 3 इंटू 60, ये आपका हो गया 40, तो ये हो गया आपका 40%। अब MgO इन एंस्टेटाइट में कितना होगा, यहाँ पे आप मोल कितना है 1 है और टोटल मोल हमारा 2 है, इंटू ये परसेंटेज कितना है 40 है, तो ये 40 हो गया, ये 20 हो गया, 20। अब रॉक में कितना MgO होगा, रॉक में ये टोटल हो जाएगा 40 प्लस 20, इसका मतलब 60% हो जाएगा। तो इसके साथ हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं नेट के, और हमारे 2020 जैम के भी सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और आप तो लाइक कर ही सकते हैं तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।